ओके सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ करा दूँ। आपका नाम उमर शहजाद है और आप इटली में सीसा यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ज्योमेट्री और मैथमेटिकल फिजिक्स सेक्शन में पीएचडी स्टूडेंट है, राइट? जी जी बिल्कुल अच्छा, तो इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी जो फील्ड है वो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री है, तो इज इट करेक्ट? हाँ कह सकते हो। असल में मैं ऐसा समझ लो कि बाउंड्री पे हूँ। अलजेब्राइक ज्योमेट्री से मेरा जो ऑब्जेक्ट है जिसपे स्टडी कर रहा हूँ वो उधर से क्रिएट होता है, एंड देन मेरा जो काम है वो बेसिकली है उसके ऊपर रिची फ्लैगमैट्रिक पुट करना, बिकॉज के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लाबिया मैनिफोल्ड है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि वो नॉन कॉम्पैक्ट है, सो इट्स नॉट ट्रीवियल प्रॉब्लम कि उसके ऊपर मीट्रिक एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो उस पे क्या मसला आता है? क्या मैट्रिक जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं रहता या कोई और मसला है? नहीं, मीट्रिक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, क्लाबिया हुआ है। प्रॉब्लम मीट्रिक एग्जिस्ट, आई मीन यू कैन पुट अ लॉट ऑफ मीट्रिक्स ऑन इट। प्रॉब्लम ये है कि वी वांट अ मीट्रिक व्हिच इज रिची फ्लैट, तो रिची कर्वेचर जो है उसका जीरो हो जाए ना। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कॉम्पैक्ट केस में तो कंप्लीटली सॉल्व्ड है। यू विल ऑलवेज एबल टू फाइंड अ मीट्रिक, पुट अ मीट्रिक एक्सप्लिसिटली राइट इट ना, क्योंकि जो याओ का याओ ने जो थ्योरम प्रूव किया था कि वो बेसिकली कॉम्पैक्ट केस के लिए है। नॉन कॉम्पैक्ट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि यू कांट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दी मुंजेम्पर इक्वेशंस व्हिच गिव यू दी सॉल्यूशन ऑफ अ रिची फ्लैग मैट्रिक्स, कौन सी इक्वेशंस? मुंजेम्पर इक्वेशंस। ओके 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 अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप एक सिंपल टर्म्स में बता दें कि एल्जेब्रिक ज्योमेट्री है क्या, ये कौन सी स्टडी है? सो अल्जेब्रिक ज्योमेट्री सिंपल इज दैट दी इज दी स्टडी ऑफ द स्पेसेस व्हिच आर जनरेटेड बाय द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स। सो यू नॉट इन वन वेरिएबल, आई मीन आप मैथमेटिकल टर्म्स में व्हेन आई से पॉलीनोमियल्स आई से दैट पॉलीनोमियल इन मोर देन वन इंडिटरमिनेंट्स, राइट? ठीक है, सो आप आपके पास एक पॉलीनोमियल रिंग है, आप उसमें से कोई भी सेट ऑफ पॉलीनोमियल्स उठाएं फाइनाइट, एंड देन यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दी स्पेस ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, दिस पॉलीनोमियल्स, राइट? ठीक है, सो या फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूंगे टेक अ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वन, राइट? सो दिस इज अ पॉलीनोमियल इन ए पॉलीनोमियल रिंग ऑफ थ्री इंडिटरमिनेंट, राइट? एक्स वाई एंड जी, एंड वी नो दैट दिस इक्वेशन इफ वी पुट इट इक्वल टू जीरो दिस गिव्स अस ए स्फीयर, राइट? सो सही दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट सही व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक पॉलीनोमियल एंड पुट इट इक्वल टू जीरो। तो ये आप कोई अंदाजा है आपको कि ये फील्ड कब स्टार्ट हुई थी एज अ फील्ड? आई थिंक जितनी पुरानी मैथमेटिक्स है उतनी पुरानी ये फील्ड है। लेकिन लेकिन ये एज अ फील्ड कि ये इस क्या कहते हैं इनके इनको स्टडी करते हैं, तो ये कोई बहुत पुरानी है या फिर रिसेंट है? नहीं ये देखना, अब जो अलजबरा है जो द स्टडी ऑफ अलजबराइक इक्वेशन पॉलीनोमियल्स, ये तो रीसेंट हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये 10वीं 11वीं सेंचुरी से तो बड़े मतलब इन्फ्लुएंस्ड होकर स्टार्ट हो गया था, मगर जो एग्जैक्ट हिस्ट्री है उसका तो नहीं मुझे आइडिया कि वो कब से। ठीक। अच्छा, एक और मैं चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में फिजिसिस्ट तो बात कर रहे होते हैं, फिजिक्स स्टूडेंट्स तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर इस पे एक मैथमेटिशियन का भी पर्सपेक्टिव लिया जाए कि आपके ख्याल में, क्योंकि आपको पता है कि खैर मुझे तो रोज ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी का क्या इन्फ्लुएंस है मैथ्स पे? अब आप अगर देखना चाहते हो तो आप देखो कि बहुत सारी जो रिसेंटली मैथमेटिक्स के अंदर डेवलपमेंट्स हुई है ना, फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई है इसके अंदर अलजेब्राइक ज्योमेट्री के अंदर, वो इन्फ्लुएंस्ड हुई है स्ट्रिंग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ठीक,
तो मैथमेटिकल स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इसके इसके ऊपर, अल्जेब्रिक ज्योमेट्री के अंदर, नंबर थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो पीपल कहाँ तक उस पर काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरिस्ट आई एम स्पीकिंग अबाउट, बट लेटली पीपल आर इन स्ट्रिंग थ्योरी, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, रीमन हाइपोथेसिस के ऊपर, which is अच्छा purely a number theoretical problem, या right? या And I heard that the people from string theory found some very intriguing ways to understand that problem, So ये एक natural सा ना एक कुलई ना आ रहा है. मैंने अभी पिछले मेरे सबसे कुछ साल एक पहले मैंने अपने टी, मैंने अपने टीचर से एग्जैक्टली यही सवाल किया था. मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है कि हम बैठे हुए हैं अलजेब्राइक ज्योमेट्री वीडियो के एक बड़ा अब्स्ट्रैक्ट किस्म का प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, राइट? एंड स्ट्रिंग थ्योरी जो कि ऑन द अदर साइड, और क्वांटम फील्ड थ्योरी स्टफ लाइक दैट जो कि प्योरली फिजिकल है, ठीक है? तो आप उनको जो ही मिक्स करके रख दिया है, ठीक है? सो आई थिंक सो देयर शुड बी अ कैटेगोरिकल इंटरलिंक बिटवीन बोथ, सही है। है ना? बिकॉज ऑन वन साइड यू टेक अ कैटेगरी ऑफ अलजेब्रिक वैराइटीज विद दी ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक ज्योमेट्री, एंड देन ऑन दी अदर साइड यू टेक दी लेट्स से दी कैटेगरी ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरीज एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, एंड यू क्रिएट दी फंक्शंस बिटवीन देम सही, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस देयर. राइट। सो तो हम क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी का मैथ्स पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सपोज करें कि एग्जैक्टली अगर वो फिजिक्स में नहीं भी होती कामयाब, तो इसका इसने काफी कुछ पहले इन्फ्लुएंस कर दिया। एग्जैक्टली हमें, मैं एज ए मैथमेटिशियन, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रिंग थ्योरी फेल हो जाए, हाँ राइट? बिकॉज स्ट्रिंग थ्योरी ऑलरेडी मुझे बड़ा अच्छे अच्छे आइडियाज दे रही है, ठीक. सही। सो और अच्छा, तो इसमें क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन ये है कि हम ये तो मैं कई दफा देख चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी फील्ड भी सीएफटी तो स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह है, तो मैं ये तो देख चुका हूँ कि मैथमेटिशियंस जो हैं वो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट के साथ बहुत एक्टिवली कोलेबोरेट करते हैं। मैथमेटिशियंस जो हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी के प्रॉब्लम्स पे भी काम करते हैं। लेकिन आपने एज अ मैथमेटिशियन कभी देखा है कि फिजिक्स किसी और फील्ड से, फिजिसिस्ट इस तरह से कोलेबोरेट कर रहे हैं मैथमेटिशियंस के साथ? वेल, ओकेजनली आपके पास कोलैबोरेशन तो आती हैं, मगर इस इंटेंसिटी के साथ जो कोलैबोरेशन है, आई डोंट थिंक सो देयर एग्जिस्ट. मेरी जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल, देयर इज अल्जेब्रिक साइड ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट? एंड देयर देन देयर इज द डिफरेंशियल साइड ऑफ दैट प्रॉब्लम, डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक साइड ऑफ दैट प्रॉब्लम जो कि मैं, सही, एंड देन बिल्कुल, देयर इज द स्ट्रिंग थ्योरेटिकल साइड ऑफ द प्रॉब्लम, व्हिच जो कि मेरे उसी सेम प्रोजेक्ट के ऊपर जो मेरे को-ऑथर हैं वो बेसिकली फिजिस्ट है, ही इज अ स्ट्रिंग थ्योरिस्ट, तो वो उस साइड को डील कर रहे हैं, सही। ठीक है? तो यू कैन सी दैट कि मैं अभी एज अ स्टूडेंट हूँ, और जब बाउंड्री पे काम कर रहा हूँ तो आई हैव टू वर्क विद समवन हु इज वर्किंग इन स्ट्रिंग थ्योरी, बिकॉज एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्योंकि देखिए ना, जो स्ट्रिंग थ्योरी का कंजेक्चर है वो ये कह रहा है कि जो आपकी जो एक्स्ट्रा सिक्स डायमेंशंस आ रही है ना, जो जो स्पेस आ रही है विद एक्स्ट्रा सिक्स डायमेंशन, दिस इज अ क्लाबिया स्पेस, ठीक है? सो एनीवन हु इज वर्किंग इन क्लाबिया ज्योमेट्री, जो के एसेंशियली ऑलमोस्ट हर कोई काम कर रहा है क्लाबिया मैनिफोल्ड्स के ऊपर आजकल, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो जो भी वो काम कर रहा है क्लाबिया के ऊपर, वो नेचुरली इट हैज एप्लीकेशन इन स्ट्रिंग थ्योरी, कनेक्शन विद स्ट्रिंग थ्योरी, तो नेचुरली वो ही कैन आस्क टू अ गाय वर्किंग इन स्ट्रिंग थ्योरी के, आओ जी मेरे साथ, मैं मेरे पास ये क्लाबिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस क्लाबिया. सही। मैं जब ये क्वेश्चन पूछा था तो मेरे ध्यान में था कि शायद ऐसा हो कि शायद कंडेंस मैटर फिजिक्स के लोग भी इतना कोलैबोरेट करते हैं मैथमेटिशियंस के साथ, तो ये क्या ये बात सही है या नहीं है? वेल, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा इंटरेक्शन कभी कंडेंस मैटर वालों के साथ हुआ नहीं है. नेचुरली मेरा अच्छा इंटरेक्शन हुआ था आमिर इकबाल के साथ, वो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट से. यहाँ पे भी जो हमारी अपनी, मतलब मेरे ग्रुप के अंदर ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसके अंदर, जो थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं. सही सही।
अच्छा, आपने डॉक्टर आमिर इकबाल की बात की, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप आंसर करते कि डॉक्टर आमिर इकबाल के साथ आपने क्या काम किया था? उनके साथ मेरा काम बेसिकली, क्योंकि मास्टर किया था, तो वो एक किस्म के ऐसे समझ ले कि उनकी रिवीजन थी, उनके जो उनका जो काम था टोपोलॉजिकल वर्टेक्स थ्योरी के ऊपर, तो देयर इज अ वेरी नाइस एल्गोरिदम, एंड अगेन दिस इज ए एल्गोरिदम विच जो के स्ट्रिंग थ्योरी के से प्रोड्यूस हुआ हुआ है. ऑन स्ट्रिंग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस गिव्स समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट ऑन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट गिव्स यू द मोर विद एन इनवेरिएंट्स, सही 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 सही। सो व्हिच इज प्योरली अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट. सो मैंने बेसिकली पार्टीशन फंक्शंस जो थे उनको स्टडी किया था ऑन ऑन टोरिक ज्योमेट्री. तो अगर आपने टोरिक ज्योमेट्री, तो आपने क्लोज स्ट्रिंग सेक्टर में किया था? हाँ, आई मीन यस, आपको आपको कंपैक्टिफाई करना होगा टोरिक ऑब्जेक्ट को जो कि आपके पास है, देन यू कैन गेट समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट. अच्छा, जब आप टोरिक टोरिक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आपका मतलब जीनस वन सरफेस है या कुछ और मतलब है? सॉरी, नो, जीनस वन सरफेस, हाँ वेल, बेसिकली सरफेस जो है ना वो तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के अंदर इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड इन टोरिक ज्योमेट्री इट्स ट्रू दैट अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज सिंपली जीनस जीरो, नॉट जीनस वन. जीनस ओके वन इज योर योर टोरस, एंड टोरस इज नॉट अ टोरिक वैरायटी. ओके, आई सी, ठीक। अच्छा, तो चूंकि आप सीसा में होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सीसा का एनवायरनमेंट कैसा है स्टडी के लिए? सीसा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, फिर जो आपके टीचर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो आपके साथ मतलब एक्टिवली आपके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है. आपके सेमिनार्स वगैरह जो हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो फंडिंग है वो अच्छी खासी अवेलेबल है. मैं समझता हूँ रिसर्च के अंदर जो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कितनी फंडिंग अवेलेबल है, ताकि आप लेट्स से कि आपने किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी रिसर्च स्कूल में जाना है, यू कैन इजिली गो देयर और नॉट, राइट. सही। सो अच्छा, तो ये सीसा, चूंकि सीसा की आईसीडीपी के साथ कितनी का कोलेबोरेशन होती है? सीसा की आई थिंक सो के हर जो सब्जेक्ट है जो कि आईसीटीपी के अंदर भी पढ़ाया जाता है एज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसमें से आई थिंक सो एक बंदा जो है वो आईसीटीपी से सीसा में वो लेते हैं, मतलब वो एक कोलेबरेशन है आईसीटीपी सीसा प्रोग्राम की, पीएचडी की, तो हर प्रोग्राम से एक बंदा लिया जाता है हर साल. ठीक। लेकिन उसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो फॉर एग्जांपल आप जो सीसा में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप जो है वो क्या आईसीटीपी में जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर सकते हैं हाँ जाके? जी, इन प्रिंसिपल जो ये जो है ये आई थिंक सो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो इन प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि आप जो पीएचडी सुपरवाइजर है वो उसी इंस्टीट्यूट से लें, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं. हमारे यहाँ पे सीसा में ये प्रैक्टिस है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमेरिका से भी कोई सुपरवाइजर लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने काम करना है अमेरिका के बंदे के साथ, ठीक है, तो आप उसे उसे एग्री कर लें कि वो आपके साथ काम करना चाह रहा है, देन सीसा वाले आपको अमेरिका भेज देंगे. ओह अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा है। वैसे ये क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं होता। तो कुछ भी ना हो सकता, इस तरह के काम आप तो उस बहुत तरह सोच रहे हैं. उसकी उसकी बात करते हैं अभी, वो क्वेश्चन है नीचे। अच्छा, तो एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुझे शौक बहुत है मैथमेटिक्स का। ऑब्वियसली अगर आपको शौक ना हो तो आप काम नहीं कर सकते स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह में। तो एक चीज जो कि मैंने नोट किया, जिसके बारे में आई थिंक बात बहुत कम होती है, आई डोंट नो कि मैथमेटिशियंस में कितनी बात होती है, लेकिन आई थिंक जितना मैंने सुना इसमें बात बहुत कम होती है। तो आपके ख्याल से, हम कई दफा बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में हम थियोरम्स प्रूव करते हैं, जो कि हमेशा इतना आसान नहीं होता, राइट? थियोरम्स प्रूव करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज जिसके बारे में बात नहीं होती वो ये है कि आपके ख्याल में कोई नई फील्ड अगर बनानी हो, तो क्या बहुत उसके एग्जियम्स चुनना मुश्किल काम नहीं है? बहुत मुश्किल काम होता है ये भी, या नहीं? मुश्किल काम है. आई मीन राइट। आप देखो, वंस यू हैव योर एक्सीम्स, ठीक है ना, उससे आगे तो डिस्कवरी है, ठीक है, एक्सीम्स क्रिएशन है. और एग्जियम से मेरा मतलब है अच्छे एग्जियम्स के,
ऑफ कोर्स जो कि एक नाइस थियरी दें, ठीक है, मगर बात ये डिफरेंस चेक करो ना, वंस यू हैव योर एक्सियम्स, एवरीथिंग व्हिच यू आर प्रूविंग, एनी थ्योरम व्हिच यू आर प्रूविंग इज एक्चुअली अ डिस्कवरी, बिकॉज़ इट्स एग्जिस्ट देयर. या You just found that oh this theorem exists there and if you do this 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 and you get this, right? यस मगर एक्सियम जो है ना वो क्रिएशन है, प्योर क्रिएशन है. तो आपके ख्याल से अच्छे एग्जाम्स चुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, राइट, मैथ्स में? Exactly. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा जीनियस टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रूव. आई मीन कितने लोग हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने फील्ड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है. वो एक और आई थिंक सो के अगर आप एक नई फील्ड क्रिएट करना चाहते हो ना तो आपको बेसिकली बहुत अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटेगरी थ्योरी का, अगेन विच गिव्स यू अ नाइस जनरल एस्पेक्ट कि आप क्या करना चाह रहे हो ना, ठीक है. ठीक, तो हाँ इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान काम. इसमें 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 कई दफा मैं एक जो एग्जांपल कोट करता हूँ जो कि फॉर एग्जांपल जब मेरे बात करनी होती है, जरूरी नहीं कि मैं कोई किसी यू नो प्रोफेशनल मैथमेटिशियन से बात करूँ, लेकिन अगर मैंने किसी लेमन लेमन से भी बात करनी है तो उसको भी जो एग्जाम्पल समझ आ जाए. तो आई थिंक एक अच्छी एग्जाम्पल जो है वो मैट्रिक्स स्पेसिस की है, कि अगर आप डिस्टेंस को जनरलाइज करना चाहते हो तो आप कौन सी प्रॉपर्टीज है डिस्टेंस की जो कि आप फंडामेंटल के तौर पर लोगे. तो आई थिंक जो मैट्रिक्स स्पेसिस के जो एक्सियम्स हैं वो बहुत कमाल चुने गए हैं, जिसने भी चुने हैं, कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो फंडामेंटल. वो देखो ना कि वो एक्सियम्स जो हैं मैट्रिक मैट्रिक के जो आपको आपने फॉलो करने हैं, वो एक्सियम्स जो है ना जी वो अब आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम के जी आई वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेसेस, राइट, टू पॉइंट्स, सॉरी, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्टेंस, यस, right, and then you have to put them as an axiom, and लेकिन that's what they're doing. मैं वही कह रहा हूँ कि हमें हम जो जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हमने डिस्टेंसेस के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन उसमें से फिल्टर आउट करना कि ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. और इसमें एक यू नो कई दफा जोक के तौर पे लोग ना पोस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि साइंटिस्ट ने नासा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है वही सन से अर्थ का. मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल एक्सियम है मैट्रिक्स स्पेसिस का. ये कोई मजाक नहीं है, अगर ये एक्सियम ना हो तो बहुत चीजें नहीं कर सकते कि d of x y is equal to d of y by x. अगर अगर दो स्पेसेस के दरमियान डिस्टेंस बार बार कम हो रहा है तो इसका मतलब पॉइंट्स के दरमियान तो इसका मतलब ये है ना कि दो पॉइंट्स स्टेशनरी नहीं है. यस एग्जैक्टली, ये बात सही है, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना. इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर बार बार सन का और जमीन का चेंज होता रहे तो फिर तो आप कोलैप्स कर जाओगे एक जाके उसके अंदर. वही ना. और ये और भी एब्स्ट्रैक्ट सेट्स में है, ये तो खैर हमें पता लग रहा है ना कि ये तो दो पॉइंट यूक्लिडियन या फिर यू नो मिनकोवस्की स्पेस के अंदर है, लेकिन अगर आपने जनरलाइज करना है तो ये कैसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर लेना पड़ेगा. तो ये मजाक नहीं है लोग. देखो मैट्रिक्स स्पेस होता ही है, देखें हो क्या रहा है, यूक्लिडियन स्पेस बड़ा इजी है उसके अंदर तो आप मैट्रिक्स आसानी से आपको पता है कि हाउ टू टेक डिस्टेंस, राइट, आप यू कैन मेजर इट, राइट. बट इन जनरल व्हेन यू आर नॉट इन अ यूक्लिडियन स्पेस तो ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम दैट यू वांट टू क्रिएट अ मैट्रिक, राइट. सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक शुड बी देयर, दैट इज फ्रॉम द यूक्लिडियन जो सेंस है हमारी. And then you have a lot of other things. For example, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि I want to create a metric which is Ricci flat. So what does it mean, Ricci flat? It means that if I take an object which is called the geodesic sphere inside my space, that the volume of that geodesic sphere should be the same as the volume if I take the sphere in the Euclidean space. Yes. राइट बट क्या हो सकता है कि उस जो वो जो स्पेस है ना उसकी जो जो जियोडेसिक स्फीयर है उसकी शेप चेंज हो सकती है. सिंपल एग्जांपल ले ले, लेट्स से एक सर्कल है, ठीक है, एंड हो सकता है कि आई कैन डिफॉर्म दैट सर्कल इनटू अ एलिप्स ऑफ सेम एरिया, बट नाउ इट्स एन एलिप्स, इट्स नॉट अ सर्कल. इस तरह का एक और एग्जांपल जो कि इससे मैं जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी चीज सीखते हो जिससे ना आपकी लिटरली आपके गूज बम्स हो जाते हैं.
राइट। तो एक चीज जो कि मैंने सीखी थी, जो कि ना जब मैं नया नया सीख रहा था, फॉर एग्जांपल ओपन सेट्स के बारे में, जब मैट्रिक्स के आप सीखते हो, उसके बाद आप क्लोज और ओपन सेट्स के बारे में सीखते हो, तो हमेशा मैं पहले समझता था कि यार ओपन सेट का मतलब तो ऑब्वियसली ये है कि एक बॉल है लेकिन उसकी बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं वो उसको बिलोंग नहीं करते। तो ये हम हमेशा यूक्लिडियन स्पेसेस में या फिर ऐसी स्पेसेस में करते थे जो कि फॉर एग्जांपल यू नो क्या कहना चाहिए कंटिन्यूअसली हो। लेकिन जो वैरायटी लेने टोपोलॉजी लेने हाँ, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि फिर मुझे एक टीचर ने कहा कि इसको ना मैथमेटिशियन ने जनरलाइज किया है किसी भी सेट के लिए। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसको जो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो फिर मैंने देखे कि टोपोलॉजी के एक्सियम्स। मैंने कहा यार ये किसने चुने हैं, यार ये कितने कमाल है, और ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गया है इन तीन एक्सियम्स के अंदर। यू नो ये बहुत पता, आई डोंट नो किसने चुने, आपको कोई आइडिया किसने चुने हैं ये तीन एग्जाम्स? आपका आपके सवाल जो है ना हिस्ट्री पे जा रहे हैं। मैं मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मुझे नहीं पता लगा। मिल जाएगा, हिस्ट्री में मिल जाएगा कि किसने जो डेफिनेशन है उनकी हिस्ट्री मौजूद होती है। मगर वो यही होता है कि आप नहीं पढ़ते हो। मुसीबत है ना, आप जब बुक्स ले रहे होते हो ना, जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हो, तो वहां पे बेसिकली जब एक एडवांस मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, तो अक्सर ये लोग जो है ना बुक्स जब लिखते हैं तो वो साथ में नहीं लिखते कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। कि हाँ, ये आई थिंक फिजिक्स में भी है कुछ हद तक, एडवांस फिजिक्स में। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स जब आपने कैलकुलस पढ़ा था, तो आपने आपने देखा कि एक तरफ से न्यूटन ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी, एक तरफ से लेबनीज ने दी, ठीक है, तो आपको पता है कि वो ये डेफिनेशन किधर से आए, ठीक सही है। सही सही मगर वो टोपोलॉजी के अंदर, जब कोई बुक टोपोलॉजी के लिख रहा है, तो वो नहीं मतलब इस तरह की चीजें बताते। आना सही सही कजारी जिसने कोई बंदा था जिसने दी। लेकिन लेकिन जो इस सारी डिस्कशन का जो ये मकसद था वो यही था कि यू नो इसके बारे में मैंने बहुत कम बात होते देखी है कि एग्जियम्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को ये बताया जाता है कि थ्योरम्स प्रूव करना मुश्किल है, नहीं, लेकिन थ्योरम इज अ डिस्कवरी। डिस्कवर करना आसान है, आप लगे रहो हो ही जाएगा। एक्सियम क्रिएट करना, क्रिएशन इज समथिंग जो कि मुश्किल है। राइट। और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं अच्छे एग्जियम्स क्रिएट करना, एग्जियम्स तो आप कोई भी ले सकते हो। क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज समथिंग, राइट। राइट। अच्छा, अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन आ गए जिसकी तरफ हम पहले जाने लगे थे लेकिन यू नो नहीं जा पाए। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यू नो पाकिस्तान में इतना डिक्लाइन क्यों है मैथ्स का आपके ख्याल में? और यहाँ पे यू नो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है, नहीं, मैं मैं भी कुछ बोलता रहता हूँ। नहीं, आप बोलते रहते हो। मसला ये बनता है कि मेरी आ गई है पीएचडी करीब करीब। मैंने अच्छा। मैंने कल को जाके तो जिनके खिलाफ बोलना है उन्हीं के सामने जाके बैठना है जॉब के लिए भी ना। अच्छा नहीं, नहीं, हाँ फिर नहीं, फिर नहीं बोलना चाहिए। मैं खुल के बोलूंगा, आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। बस यार पता है क्या है, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया हुआ है ना, वो ऐसा है कि उसके अंदर हम स्टूडेंट को बता ये रहते हैं, यार ये तुमने ना रट्टा लगाना है। नंबर नंबर का क्रेज क्रिएट, नंबर्स का क्रेज क्रेज क्रिएट कर दिया हुआ है ना, ठीक है। आप 97% नंबर लेने हैं, 98% नंबर लेने हैं, ठीक है। अब वो बच्चों को गाइडें दी हुई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 8th, आपने देखा होगा कि गाइडें पड़ी हुई हैं, मैथमेटिक्स हाँ, गाइडें पड़ी हुई हैं, गाइड पड़ी हुई है बिल्कुल। तो वो गाइड्स पे जी रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। फिर वो आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपका ना बेसिकली एस्टेब्लिश होना होता है, क्योंकि देखें उससे पहले हायर हायर सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल तक ना, जैसे आपको बताया जाता है कि यार ये चीजें हैं, फिर नहीं बताई जाती उनकी, ठीक है। डेरिवेटिव्स आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, मगर फिलोसफी नहीं बताई गई इतनी डेप्थ में जाके कि यार ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सही। अब जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो, तो आपके साथ होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कि आपको नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि बेसिकली देखें, ये डिसऑनेस्टी है। ये बेसिकली जो बंदा आपको पढ़ा रहा है ना, वो यस। डिसऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन के साथ, ठीक है ना। वो चाहता ही नहीं है कि वो मेहनत करे। उसने कोई 15 साल 20 साल पहले जब पहली दफा वो सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो उसने वो एक नोट्स बना लिए थे और वो ही वो पढ़ा रहा है। मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। अब कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर समझा लिया जाता है कि जी
साइंसेस के अंदर जी बेस्ट ऐसे बेस्ट। है ना। मेरा पहला पहला एग्जाम हुआ टोपोलॉजी के अंदर। आप ओपन सेट्स की बात कर रहे थे तो मुझे टोपोलॉजी याद आ गई कि मैंने टोपोलॉजी कैसे पास की थी। तो मेरा जी पहला पहला एग्जाम हुआ तो प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन गलत किया हुआ। मैं चला गया सर ये क्वेश्चन कैसे गलत है। उसका जवाब था कि ये मेरे नोट्सों पे ऐसे नहीं लिखा हुआ। यार बंदे के माइंड में हो तब भी बोलना नहीं चाहिए उसको, ये बोल भी दिया उसने। ठीक है उसने सीधा सीधा जवाब दिया कि ये मेरे नोट्सों पे ऐसे नहीं लिखा हुआ। मैंने अच्छा क्या किया जी मैंने वो पूरा सेमेस्टर टोपोलॉजी का एक लफ्ज नहीं पढ़ा। उसके बाद अच्छा आखिर में जाके 3 छुट्टियां थी मैंने उसके नोट्स पकड़े। मेरी आदत है मुझे जब रट्टा लगाना होता है ना तो मैं लिखने स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा रट्टा हाँ लगने से ठीक अब है। मैंने वो नोट्सों का ना 3 दफा लिखा है। मुझे रट के भूत मैं मतलब हिफज कर लिए मुझे ना। अगले दिन पेपर दिया। पेपर दे के जी उससे अगले दिन हम बैठे हुए हैं क्लास में। पेपर दे रहा हूँ मैं कोई और तो क्लास में आए हैं और आगे कहते हैं उमर यू गोट 75 out of 75। ठीक है अब वो मेरी जिंदगी के पहले पूरे मार्क्स थे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और यकीन माने कि मैं सबसे शर्मिंदगी वाले वही थे। ठीक कई लोगों के लिए बड़े वो खुशी का लम्हा होता है, यही तो मसला है। कि मुसीबत ये है कि ये रट्टे का सिस्टम जो है ना उसके अंदर फिर देखिए ये तो हो गया उसके लिहाज से आप समझ लो कि अंडर ग्रेजुएट के हद तक जहां पे स्टूडेंट होता है उसको सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि उसने पढ़ना होता है। उसको नहीं बताते कि यार इस सब्जेक्ट की ये बुक्स हैं ये अच्छी बुक्स हैं इस बुक से पढ़ो इस बुक से पढ़ो तुम्हें और चीजों को समझ आएगी। ठीक है नहीं बताते नोट्स दे देते हैं। अब प्रॉब्लम आ जाती है रिसर्च के अंदर। मैं पर्सनली उस उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खासकर मैथमेटिक्स के अंदर तो जो PhD है ना है उस होनी पर नहीं सेंटर चाहिए। होना या चाहिए। ठीक है मैथमेटिक्स के अंदर PhD MPhil पे बैन लग जाना चाहिए। यार इतने ज्यादा लोग पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जी लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी मैथमेटिक्स के अंदर बड़े लोग PhD हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। फिजिक्स में तो भी है। हाँ वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो उनको आता कुछ नहीं। वो जो उनको PhD जिन्होंने की हुई है वो बेचारों ने बस अपना खाना पूरी करने के लिए की हुई है। ठीक है कि जी वो पढ़ा रहे थे कहीं किसी कॉलेज में किसी ने उसे मशवरा दिया कि जाओ जाके पहले MPhil कर लो। उसने कहा चलो मैं MPhil कर लेता हूँ। फिर किसी ने मशवरा दिया MPhil कर लिया तो PhD भी कर लो। जॉब नहीं मिल रही, पीएचडी जॉब कर लो। भी मिल रही। ठीक है तो बहुत बुरा हाल है। मतलब यार एक बंदा जो है वो MPhil के अंदर PhD के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि वो 100 100 150 पेपर पब्लिश करते थे। हाँ, ये बहुत ज्यादा। अब मेरे से यहाँ पे सीसा में बैठा हुआ हूँ मेरे इर्द गिर्द जो मेरे टीचर बैठे हुए हैं उनमें से अक्सर तो ऐसे हैं कि जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर टॉप के हैं। मेरे से एक पेपर नहीं लिखा जा रहा। इसका मतलब मैं तो कोई इंतहाई नालायक इंसान हूँ। मेरा मेरा कोई पेपर नहीं आज तक। तो मैं तो बहुत नालायक हूँ फिर। हाँ जी तो वही वही कह रहा हूँ पाकिस्तान में धड़ाधड़ 100 150 पेपर डाला जा रहा है PhD के अंदर। वो एटीट्यूड बहुत गंदा है। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उसकी या कैची कसूर है कसूरवार है उसका उसका अच्छा कसूर। इससे इससे अब इन प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर हमने जो अभी बात की है इस क्वेश्चन के हवाले से, वो तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट किसी भी स्टेम फील्ड के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स का कुछ ज्यादा ही डिक्लाइन है पाकिस्तान में, वो क्यों है? हाँ मैथ के अंदर डिक्लाइन जो है ना वो हुआ ये है कि किसी दौर के अंदर ना हमारे पाकिस्तान के अंदर मैथमेटिक्स के एक तो लोग अच्छे थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं असगर कादर साहब हैं बूढ़े हो गए। तो उसके बाद ना जो एक जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे ना मैथमेटिक्स के जैसे कि कायदे यूनिवर्सिटी का हो गया या दूसरा तीसरा हो गया वो चले उन लोगों के पास चले गए जिन्होंने आफ्टर द क्रिएशन ऑफ HEC और वो ये नंबर गेम्स में चले गए। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप नंबर नंबर गेम्स में चले जाओ ना तो ये जरा ज्यादा आसानी से काम किया जा सकता है ना। पैरामीटर ही चेंज करना होता है ना। इक्वेशन पड़ी हुई है वहां पे जहां पे अल्फा इक्वल्स टू 1 रखा है वहां पे 2 रख दो तो आपका बन गया। ठीक है ना। तो
बेसिकली जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं ना, वो खुद बहुत बड़े नंबर गेम्स में चले गए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो सब्जेक्ट्स थे जो के पढ़ाए जाने चाहिए थे इसके अंदर, बैचलर्स के अंदर, और बड़े इंटेंसिवली और बड़े केयरफुली पढ़ाए जाने चाहिए थे, उनको पढ़ाने के लिए कोई बंदा ही नहीं बचा। ठीक है और ना? इसके अलावा आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की आई डोंट नो कि आप ने वो देखी हुई है बुक, मुझे देखनी नहीं चाहिए थी लेकिन बस मैंने मुझे बुक स्टोर में जी घूमने का शौक था, तो पाकिस्तान में इस तरह की बुक जैसे कि एसएम यूसुफ टाइप की बुक्स, इस तरह की बुक्स को पढ़ पढ़ के लोगों ने दिमाग खराब किया हुआ अपना, ये वो नोट्स है ना, एसएम यूसुफ की बुक क्या है, नोट्स हैं वो और नोट्स इतना है। बड़ा अब बड़ा फॉन्ट है वो इतना। वो नोट्स जो है वो आपके एक मतलब अदारे ने जो के रिस्पॉन्सिबल है लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, उसने एक किस्म की ऐसे ऐसे क्रिएट कर दी हुई है कि वो बुक आपके लिए एक लाजमी किताब है, एक लाजमी, सिलेबस हाँ बुक। ठीक बेशक है? अब एस एम यूसुफ साहब जो है, मसला इसमें नहीं है, देखो मसला इसमें नहीं है कि आप पाकिस्तान से और आप बुक लिख रहे हो, लिखो, लिखनी चाहिए ना, हाँ अगर हाँ लिखो। आप इस काबिल हो तो लिखो। मगर जब कोई इंसान बुक लिखता है ना, तो वो जो बुक लिखता है तो उसके अंदर जो एग्जांपल्स डालता है, जो उसके अंदर थीरी डालता है ना, वो खुद से क्रिएट करता है, वो कॉपी नहीं करता। हाँ वो जाके कैलकुलस की अगर कुछ उसने डेफिनेशन देनी है तो थॉमस की कैलकुलस से जाके डेफिनेशन डाल के अपनी बुक में नहीं डालता। ठीक है अपने ना? वर्ड्स में लिखेगा, जाहिर है कॉपी डायरेक्ट टू वर्ड तो नहीं करेगा। आप बुक बनाना, बुक लिखना एक एक प्रोसेस है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अलजेब्राइक ज्योमेट्री के अंदर एक बड़ी फेमस बुक है हार्शन की। अब वो बुक एक ऐसी बुक है कि उसके अंदर मौजूद जो एक्सरसाइजेस है ना, वो लोग डिफरेंट अलजेब्राइक ज्योमेट्री के अंदर 30-30 साल हो गए हैं जॉब काम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइजेस कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते। इट रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा काइंड ऑफ वर्क टू डू दैट। ठीक है? तो हमारे यहाँ यार क्या कहा जाए, अब अगर टीचरों को कुछ कहें तो वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, बेशक हमारी बुराई की गई है। हाँ हमारे यहाँ टीचर जो है ना, वो डाउन टू अर्थ नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर तो खास तौर पे डाउन टू अर्थ नहीं है। वो सही समझते हैं कि वो बहुत बड़ी बला है। ठीक है? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर। आप अपने आप को बला नहीं समझ सकते, हाँ आपको अपने आप को हम्बल रखना पड़ेगा। स्टूडेंट को सिखाना है तो फिर भी हम्बल रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को बताया जाता है तुमने सवाल नहीं करना, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना उसके अंदर जब आप सवाल करते हो ना, तो सवाल की लिमिटेशंस हैं। मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं ठीक है ना? आप फिजिक्स के अंदर सवाल कर रहे हो ना, तो आप मुंह उठा के ऐसे कोई सवाल नहीं कर, सवाल वही करोगे ना जो आपका आपके नेचुरल लॉज जो हैं उनको फॉलो कर रहा हो ना। ठीक है? आप ये सवाल तो नहीं कर सकते ना कि जी दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जी सर जी, अगर वो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करें तो फिर की होएगा? ठीक है? वो करेंगे। ठीक है? तो मगर मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि ये अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है? आपके सवाल जो है ना स्टूपिड नहीं हो सकता यहाँ हाँ पे, एज ए स्टूडेंट स्पेशली, एज ए टीचर प्रोबेबली आपका सवाल जो है ना वो स्टूपिड हो जाए। ठीक है? एज ए स्टूडेंट आपका सवाल स्टूपिड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि आपको आपका टीचर जो है उसका इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि वो उसका आंसर कर सके, या या एटलीस्ट ये कह सके मुझे नहीं पता एटलीस्ट उसके अंदर इतने गट्स हो, जो कि पूरी दुनिया में लोगों के अंदर होते हैं, हाँ लोग यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, सवाल किया जाता है, टीचर को नहीं पता लगता कि क्या सवाल है, या उसको नहीं समझ, उसको नहीं पता कि इसका क्या आंसर है, तो वो सिंपली कह देता है कि यार आई डोंट नो, लेट्स डिस्कवर दिस वन। ठीक है ना? तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है चुप कर जाओ, कहते हैं चुप कर जाओ। और मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक वो चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है प्रॉब्लम? यहाँ पे नहीं है कि आपको चुप करवा दिया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आपको चुप करवाया जाता है, तो आप आगे से ये नहीं कह सकते कि मैं चुप नहीं करूंगा। ठीक है? आप कहोगे नहीं, आप वो कहता है कि जी चुप कर, मैं नहीं सवाल का जवाब देना। आप कहोगे अगला सवाल, हाँ आपको क्यों?
एक सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ पे भी है, कि स्टूडेंट कमेटीज होती हैं, स्टूडेंट क्या? कमेटीज होती हैं, हाँ, ओके स्टूडेंट ओके स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो आपकी बोर्ड की मीटिंग्स में बैठती हैं, ठीक हाँ, ये होता है। है, और वो जो है ना बैठ के बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनकी राय की इम्पोर्टेंस होती है। उनके बकायदा इलेक्शंस होते हैं। नहीं, इलेक्शन वो तो एक प्रोसेस है ना कि कैसे आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हो। बात कर रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर बैठ के जब आप एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जब बोर्ड की सालाना मीटिंग हो रही है स्कूल के या यूनिवर्सिटी की, और वो उसमें बैठ के आपको बता रहा है कि जी इस साल जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे उन सब्जेक्ट्स में से ये जो सब्जेक्ट था इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, ये हमारी सही राय है, सही। तो होता यह है कि अगले साल उस बंदे को सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। और इससे, ये तो खैर बहुत बड़ा स्टेप है, इससे छोटा स्टेप एक और भी होता है कि फीडबैक फॉर्म्स होते हैं हर कोर्स के। यहाँ तो पाकिस्तान में तो वो भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में अब मेरे हिसाब से उन्होंने देने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क पड़ता है जब आप बोर्ड के अंदर आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो और वो फोर्स करें आप, वो सिंपली बताएं कि दिस गाय इज नॉट सुटेबल फॉर दिस सब्जेक्ट, सही। ठीक है। आप यहाँ पे जॉब देखें, पाकिस्तान के अंदर ये वाहद जॉब है, ये वाहद इंडस्ट्री है एजुकेशन की जिसमें स्टूडेंट पे कर रहा है, दार जो है वो स्टूडेंट है, वो पे कर रहा है, वो टीचर की सैलरी पे कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी के अखराजात पे कर रहा है, मगर उसको बोलने का हक नहीं वो जो खरीद रहा है। उसे कहा जाता है जो तुम्हें रैप करके देते हैं इसको ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट जो होते हैं वो मैटर करते हैं, उनकी तो प्रॉब्लम है ना, अगर वो नहीं सही पढ़ेंगे, उनको नहीं समझ आएगी सब्जेक्ट की, पढ़ाने वाला ठीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे वो अफेक्ट होंगे, उनका कैरियर अफेक्ट होगा, तो वो स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, इसलिए स्टूडेंट डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। उसके साथ तो बड़ी आसानी से ज्यादती की जा सकती है। होती भी है। हाँ हाँ, अगर एक स्टूडेंट बोलता है किसी टीचर के सामने वो फेल हो जाता है। मेरे साथ कई दफा हुआ है। मुझे एक सब्जेक्ट में सी मिला था, एक ही सब्जेक्ट में सी मिला था ग्रेड, और वो मिला ही इस वजह से था कि मैं टीचर के खिलाफ बोल पड़ा था। हाँ, ये एक दफा मेरे साथ हुआ था कि मेरा छोटा भाई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे इसने एक बात बताई थी काफी टाइम पहले। एक के मैप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके हवाले से। तो जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने वो पढ़ाया, तो मैंने पॉइंट आउट किया कि ये जो है वो उसमें ग्रे कोड के हवाले से कुछ चीज़ थी, वो एक कोड होता है। तो उनको वो बात नहीं पता थी, तो वो कहते थे कि नहीं ये वो नहीं होता। मैंने कहा सर आप देख लें ये वही होता है। तो वो कहते कि तू चुप कर जा, तू पढ़ता पढ़ता तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे उसमें सी दे दिया। हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी इतनी मुश्किल चीज़ थी, लेकिन ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। अब ये कहानी आपको इधर से नहीं मिलेगी, नहीं, आप यहाँ इन्वेस्ट ना यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक यहाँ है। पे मैं होगा तो एक्शन हो जाएगा। एक्शन हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि टीचर इज देयर टू सर्व एंड टू टीच बेशक। यू। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि वो ये कि अगर हम मैथमेटिक्स का को क्या कहना चाहिए मुझे, मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है जो कि पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, उसको अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने जो बात स्टार्ट की थी, हमने कहा था कि हमारा जो है वो रट्टे का सिस्टम है, जब वो यूनिवर्सिटी आते हैं तो फिर उनको वही सिस्टम वो लेके आते हैं। तो ये ज्यादातर FSC में होता है, लेकिन सपोज करें कि अगर कोई ए लेवल से आ रहा है, वहां पे इतना नहीं है रट्टे का सिस्टम। मैं खुद भी ए लेवल किया हुआ तो मुझे पता है वहां पे नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग भी जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो वो मैथ्स में नहीं कुछ कर पाते। और उसके एक आई थिंक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि मैथमेटिक्स में अगर आप फॉर एग्जांपल FSC या ए लेवल्स में पढ़ रहे हो, तो वो ज्यादातर है कि आपने कैलकुलेट करना है, आपने इंटीग्रेशंस करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन एक्सियम्स से थ्योरी का स्ट्रक्चर है ही नहीं वहां पे। वो यूनिवर्सिटी में होता है, वो एक नई चीज है, राइट। ठीक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि जिसके लिए स्टूडेंट को एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में या तो कहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। नहीं, ये काम ही यूनिवर्सिटी का है ना, अच्छा। जो एग्जीमेटिक अप्रोच है ना वो काम ही यूनिवर्सिटी का है कि वो बताए, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम आपकी जो आप बात कर रहे हो, ए लेवल से बंदा आता है उसको नहीं रट्टा नहीं लगाने की आदत नहीं डाली जाती, मगर देखें जब वो यूनिवर्सिटी में आता है तो तब वहां पे तो उसकी मजबूरी है ना, सर्वाइवल ही इसमें है, हाँ, वही ना। मेरे साथ भी हुआ सर्वाइवल था, लेकिन
बहुत है मुश्किल होता है सर्वाइव करना कि इसमें। हाँ आप रट्टा लगाओगे तो ही आप नंबर लोगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि आपको वो जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको वो बताते ही हैं कि रट्टे लगाओ, दैट्स सही। ऑल, इससे आगे कुछ नहीं करो, ठीक है ना? तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हल करना जरूरी है, मगर मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर के अंदर इसका कोई हल है, सोल्यूशन है। सही। तो इसमें एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 100 150 पेपर निकाले हैं, राइट? हाँ तो जी, क्वेश्चन ये कि ये करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मैंने देखा है कि मैथमेटिशियन ऐसे पाकिस्तान में जिन्होंने 600 600 पेपर लिखे हुए हैं, यार उसके लेकिन सुपरवाइजर से वही देखो, जब ना। सुपरवाइजर आपका कहता है कि जी मैं तुमने ना पेपर लिखना है, ठीक हाँ है, वो लिखता है। स्टूडेंट खुद देखो, जो स्टूडेंट जो होता है ना वो खुद से नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप पीएचडी कर रहे हो पाकिस्तान में, लेट से, और पाकिस्तान में कोई टीचर ऐसा है जो जैसे लेट से कि आप वो लेते तो नहीं है, मगर परवेज उद भाई जो है वो आपको ले लेते हैं एज ए स्टूडेंट, लेट से, ठीक है। तो आप क्या पेपर लिखोगे जितने जितने आपके कुलीग्स लिख रहे हैं? नहीं, जब तक तो कंटेंट नहीं होगा क्या लिखना है हाँ कुछ जी, जब आपका टीचर जो है वो कहेगा कि नहीं मुझे पेपर से कितने कितनों से मुझे गर्ज नहीं है, हाँ क्या लिख रहे हो मुझे उससे गर्ज है, ठीक है? तो वो आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? जो ये जो पीएचडी के अंदर टीचर स्टूडेंट जो 100 100 150 150 पेपर लिखते थे, इनमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है अदारे का जो ये अलाउ कर रहा है, जो ये पूछ ही नहीं रहा कि सुपरवाइजर से पूछ ही नहीं रहा कि भाई एक स्टूडेंट 150 पेपर, स्टूडेंट छोड़ो कोई इंसान 150 पेपर कैसे लिख सकता है 3 सालों के अंदर, ठीक है? मगर अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि जो रिकॉर्ड है वो 400 400 पेपर का 1 साल के अंदर है, हाँ वही ना। हो चार गए। हाँ या एक साल में दिन 365 होते हैं और पेपर जी, 400 है। हाँ 365 होते हैं, उनको 400 400 पेपर है, ठीक? हाँ तो ये कसूर है अदारों का जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि भाई कैसे कर लेते हो ये, पूछने है ना? की जरूरत है, कैसे कर लेते पूछने हैं। की जरूरत है, वो पूछते नहीं है, बल्कि उल्टा उनको नवाजते हैं, उल्टा नवाजते हैं, है? और ये प्रॉब्लम है, ये रूट प्रॉब्लम है। आप जब आप एक इनकम्पिटेंसी को आप नवाजना शुरू करते हैं ना, तो जो जो बंदा जो है ना, नाहिल बंदा जो है ना, वो अकड़ जाता है। हाँ हाँ और तभी किसी अहल अहल बंदे के अंदर आपने अकड़ नहीं देखोगे। हाँ बेशक उसको पता होता है कि उसको क्या नहीं पता उसको पता होता है उसको क्या नहीं पता, राइट। बंदा जो है ना वो अकड़ जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम। एक एक और चीज़ है कि सपोज करें कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि सपोज करें कि आपका जो सुपरवाइजर है वो कहता है या कहती है कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि कितने लिखते हो, इससे गर्ज है कि क्या लिखते हो। तो सपोज करें कि स्टूडेंट कहता है ठीक है मैं फिर ये कहता है या फिर कहती है कि मैं यही ठीक है यही करूंगा, लेकिन जब वो ये देखेगा या देखेगी कि जो मेरे दूसरे फेलो स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे हैं सैकड़ों पेपर्स, तो क्या उसमें भी ये ख्वाहिश नहीं जगेगी? ख्वाहिश देखें, ख्वाहिश का बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम कहाँ पे जाके होगी। प्रॉब्लम होगी अगर आप पाकिस्तान के अंदर आफ्टर पीएचडी जाके जॉब करना चाह रहे हाँ बहुत हो, मुश्किल होगा। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अकेले तो नहीं हो जिसने अप्लाई किया हुआ। अब एक बंदा और आ गया जिसने अप्लाई किया हुआ, उसके पेपर हैं 30, आपके पेपर हैं 1, ठीक है? वो जो बैठा हुआ है ना, अगला जो बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने वाला, उसने उस 30 वाले को ले लेना है, हाँ ये ठीक भी है? होता है। हाँ हाँ, ये होता है। अब ये बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मतलब एक नाहल ने दूसरे नाहल को ही चुनना है, वो अपने से बेहतर तो नहीं चुनेगा ना सही रहे। अपने हाँ चुनेगा, ठीक? तो फिर लोग वरी होते हैं। मैंने बड़े लोगों के बारे में सुना है कि जी वो मतलब बाहर से, यूरोप से या अमेरिका से पीएचडी बेचारे करके वापस पाकिस्तान जाते हैं, पहले 4 5 साल रेजिस्ट करते हैं सिस्टम को कि नहीं यार, नहीं यार, मैंने नहीं कंप्रोमाइज करना, मैंने नहीं कंप्रोमाइज करना, ठीक है? फिर क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है 5 4 5 सालों बाद के असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट ही नहीं हो रहे, ठीक है? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, कोई 4 5 जो है ना निकाल ही दो ऐसे, ठीक है? जब वो 4 5 निकालते हैं ना, जब वो कहते हैं ना, जब
दूध मुंह को लग जाए ना बिल्ली के, फिर उसको मजा आ जाता है। ठीक है, नशा, ये बिल्कुल नशे की तरह नशा पड़ जाता है, फिर उसको फिर नशा पड़ जाता है। वो उनको पता चल जाता है कि यार पेपर तो ऐसे भी निकल जाता है। तो फिर वो कहता है यार जान छोड़ो, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमने कर भी, हमें कौन सा फैसिलिटीयां दे रहे हैं कोई, हमें कौन सा बहुत ज्यादा नवाज रहे हैं, तो ठीक है फिर हमें तो उल्टा जलील ही कर रहे हैं, तो ठीक है फिर दो जी निकालो पेपर। ठीक या वो है, ये करते हैं या वो फिर बाहर चले जाते हैं वापस। यहाँ बाहर चले जाते हैं, यहाँ फिर है एक दो एग्जाम्पल है बेचारे सारी जिंदगी के वहां पे पाकिस्तान के अंदर रेजिस्ट कर रहे हैं सिस्टम को, और वो उनका बुरा हाल है। मैं जानता हूँ एक दो टीचर्स को जो के मैथमेटिक्स के अंदर के जो मतलब नई पेपर नहीं पब्लिश करते इतनी ज्यादा, वो मतलब उनका यही है एक आध पेपर एक साल में आ गया। ठीक है, तो वो बेचारे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर उनके साथ उनके बड़े बुरे हालात हैं। ठीक है, तो वो फिर रेजिस्ट करते हैं, मजबूरियां होती हैं रेजिस्ट करते हैं, जिन जो जिनकी जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर निकल जाते हैं। फिर देखे ना, कंपिटेंट बंदा आपको चाहिए ही नहीं आपके सिस्टम के अंदर। आमिर साहब आए थे हाँ, ना, सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है। ठीक है, मुझे तो ये हैरत होती है कि उन्होंने 10 साल भी कैसे निकाल लिए पाकिस्तान। 10 साल निकालना भी मुश्किल है। तो वो आए थे, अब चले गए चुप करके अपना बोरिया बिस्तर निकाल के, तो बैठे हूँ मैं अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, अब सुकून से हैं, मेरी भी बात, यहाँ पे ब्रुकलिन में है मेरे ख्याल से। हाँ मेरी उनसे साल हो गया बाद में, साल 1.5-2 हो गए हैं वही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कुछ बन जाऊं फिर बात करूंगा उनके लेवल पे, अब जाके बात करूंगा उनके साथ, हाँ उससे पहले नहीं करूंगा। तो क्या कहते हैं, वो इतने अग्रेसिव बंदे हैं नहीं तो शायद वो इसलिए चले गए, लेकिन जो अग्रेसिव लोग होते हैं वो फिर रहते हैं सिस्टम के अंदर, करते हैं नहीं, कुछ उसका। एग्रेसिव लोग भी नहीं रहते यार, देखो अग्रेसिव मसला एग्रेशन का नहीं है, अग्रेशन का मसला नहीं है, सर्वाइवल का मसला है। आप अग्रेशन का क्या करोगे जब आपके खिलाफ हर बंदा हो जाए। हाँ ये ठीक बात है, भी है। और फिर देखो ना, टैक्टिस बहुत गंदे गंदे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा ना किसी बंदे के खिलाफ, तो उसको मजहबी बुनियादों पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो बहुत हुआ अब देखो पाकिस्तान में फिर सरवाइव कहाँ से बंदा करे ना। ठीक है, आप ठीक है, आप डिसाइड यहाँ से करके जाते हो, इस सिस्टम से निकलते हो, आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार मैं स्टैंड लूंगा। ठीक है, कई लोगों ने सोचा था मैं स्टैंड स्टैंड लूंगा। लूंगा, वो जब वापस जाते हैं तो बेचारों का बुरा हाल हो जाता है, उनकी मजबूरियां बहुत हैं। ये अब डिफरेंस चेक करना पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, बहुत कंपैरिजन देखो, सेम सेम कंट्रीज का। ठीक है, इंडिया के अंदर भी रिलीजियस इंतहापसंदी भी वैसे ही है, बहुत है। हाँ गवर्नमेंट भी गरीब है, अवाम भी गरीब है। ठीक है, मगर आप देखो कि उन्होंने ना एक चीज बड़ी कमाल की है, उन्होंने एजुकेशन को सेपरेट कर दिया हुआ है वो और बाकी हर चीज से। अब वो लोग जो हैं बड़े अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिजिसिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत जो उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो उनकी तरक्की है वो बहुत कमाल की है। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता नहीं, आपको क्लर्क जो है ना आपकी डिपार्टमेंट का, उसकी अकड़ खत्म नहीं होती। वही आपको जलील कर देगा। अगर आप एक शरीफ किस्म के टीचर है ना, वही आपको जलील कर देगा। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि कुछ ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिनके बारे में तो हम सुनते रहते हैं कि ये बड़ी मशहूर अनसॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि रीमन हाइपोथेसिस हो गया, उसके अलावा गोल्डबर्ग कंजेक्चर, इस तरह की चीजें। लेकिन आपकी फील्ड में इस वक्त सबसे बड़े क्वेश्चंस कौन से हैं? हाँ, हमारी फील्ड के अंदर लोकली देखिए टेक्निकल सा हो जाता है, मतलब अल्जेब्राइक ज्योमेट्री के अंदर एक होज कंजेक्चर बहुत है। अब उसको उसको तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चाहिए होगा। ठीक है, ठीक। मगर फिर आ जाती हैं लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जी अब ये भी एक किस्म की प्रॉब्लम है कि हाउ हाउ टू अंडरस्टैंड, कि हाउ टू पुट सिस्टमेटिकली, हाउ टू पुट मैट्रिक्स ऑन ऑन नॉन कॉम्पैक्ट क्लाबियाज। ठीक है, ठीक है। दे एग्जिस्ट देयर देयर, मगर उनको लिखें कैसे। ठीक है ठीक ना, है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, उसको उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मोजुलाइज स्पेसिस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, सही। तो
क्लासिफिकेशन आई थिंक सो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आता है ना प्रॉब्लम आती है किसी भी फील्ड के अंदर क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाई करते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना कौन सी स्पेस, देखते साथ ही मैं बता दूंगा कि ये जो स्पेस है ना ये इस तरह की सेट में है, जनरलाइजेशन समझ लें टोपोलॉजी की, जनरलाइजेशन ऑफ नॉट आई मीन नॉट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी इज अ जनरल फील्ड, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट समथिंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी until unless you introduce the concept of continuity, right? Right. So you have to, there are some basic tools to understand things, right? Basic tools kya hai, ke the differentiability kya hai, this describes you the rate of change happenings in your spaces, right? Mm-hmm. So you have to understand those rate of changes. To usko samajhne ke liye na aapko, एक टोपोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट सेट के ऊपर, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूटी है उसको समझने की बेसिक डेफिनेशन टोपोलॉजी से आती है। फॉर एग्जांपल मैं इस सेंस में भी कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम अलजेब्रिक टोपोलॉजी देखें तो उसमें इस तरह के हमें यू नो टॉपिक्स मिलते हैं जैसे कि यू नो होमोटोपी और होमोलॉजीज, तो आई थिंक उनका भी एक मोटिवेशन तो यही है कि वो एक तरह से क्लासिफाई करना चाहते हैं डिफरेंट स्पेसेस को, इज दैट करेक्ट और नॉट? Right. Exactly. Homotopy, these are techniques. So these are the homotopy is a classification of the maps between two spaces. Yeah. Okay. So and the homology, cohomology is about uske andar aap forms ke andar chale jaate ho. ठीक है, होमोलॉजी है तो आप जा रहे हो the subspaces inside a space. Cohomology है तो आप differentials में चले जाते हो. ठीक है. So of course आप यही करना चाह रहे हो, you want to understand invariants of the space, ठीक है? और I think classification of space पर I think इतनी बड़ी-बड़ी इतनी बड़ी कामयाबी consider होती है कि मुझे याद है कि जो mathematics section था ICDP का उसके दीवारों पे उन्होंने लगाए हुए थे you know different spaces के posters, I don't know कि वो कौन सी spaces थी। Of course. This is होता ही है ना कि देखें आपने classify कर दिया, आपने बता दिया, for example मैं आपको simple example देता हूँ, simple example ये है कि एक ऑब्जेक्ट है हलोनोमी, जैसे आप कह रहे थे शुरू में कि जी यार मैं पढ़ रहा हूँ आजकल हलोनोमी को ना, जी अब हलोनोमी क्या करती है, हलोनोमी आपको बता देती है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह आप, आपका मैनिफोल्ड किस तरह का है, उसके अंदर उसके ऊपर जो आप मीट्रिक डालना चाह रहे हो किस तरह की है, ठीक है ना, कि मतलब आप कहते हो इन जनरल रिमानियन मैनिफोल्ड है जी वो उनकी हलोनोमी ऑर्थोगोनल ग्रुप होता है, ठीक है, अच्छा जैसे ही आप ऑर्थोगोनल ग्रुप को रिड्यूस करके कहते हो कि जी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन भी ले चाहूँ फॉर्म्स की इसके ऊपर, तो ओरिएंटेबिलिटी की कंडीशंस भी लगाना चाहूँ, तो आपको आपको वही जो होलोनोमी ग्रुप है वो रिड्यूस करना पड़ेगा S1 पे, ठीक, फिर आप उससे फर्दर जाते हो, आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो चाहता हूँ केलर मिट्री को जो कि आगे एक डिस्क्रिप्शन है, तो आपको पता चलता है कि हलोनोमी जो है ना वो अब आगे आके फर्दर रिड्यूस हो जाती है यूनिटरी ग्रुप्स के ऊपर, सो दिस इज लाइक द क्लासिफिकेशन, आपको आपने अगर हलोनोमी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप यू एबल टू अंडरस्टैंड द हलोनोमी ऑफ सम मैट्रिक्स स्पेस, यू नो व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स यू हैव, ठीक है, so then you can do a lot of things because then you can go and in the super string theory you talk about the symmetries ke kaun si break hoti hain kaun si unbroken reh jati hain then blah 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 as meri field nahi hai chale theek hai chale mere questions to I think sare khatam ho gaye lekin jaane se pehle aapne koi baat karni ho to please
नहीं बस ये एक बात रह गई जो कि मैं समझता था ये इम्पोर्टेंट बात थी जो करनी चाहिए। हमारे सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम है, टीचर्स जो है ना वो बताते नहीं है स्टूडेंट्स को बेचारों को कि पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया बसती है, ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप हो, जैसे आप ICTP में आए, आपने एक साल वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद आप माशाल्लाह से अमेरिका में बैठे हुए हो, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स को ये बताना टीचरों का हक होता है कि वो बताएं यार कि आप जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो। बहुत कम है जो ये बताते हैं, बहुत हाँ कम। जी, बहुत कम है जो बताते हैं, तो ये एटीट्यूड क्या ना, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को जो बाहर बैठे हुए हैं, टीचर्स नहीं बताने वाले कि हाँ वो इस काबिल नहीं है। देखिए उन्होंने देने रेफरेंस लेटर, अब रेफरेंस लेटर कहाँ से देंगे वो, ठीक है। तो हाँ ये बात सही है। आई थिंक कि जो बाहर बैठे हुए टीचर्स स्टूडेंट्स है ना, उन्हें कुछ करना चाहिए। वो दे शुड क्रिएट ए कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि यार बाहर आओ आप। हाँ और इसमें एक और चीज़ है कि जब चूंकि इस टॉपिक पे बात नहीं होती ना हमारी यूनिवर्सिटीज में कि बाहर भी दुनिया वहाँ पे जाओ तो स्टूडेंट्स, वैसा तो नहीं है कि चूंकि ये बात नहीं होती तो स्टूडेंट्स में ख्वाहिश नहीं है, स्टूडेंट्स में ऑब्वियसली ख्वाहिश तो है जाने की, लेकिन वो इतने ज़्यादा अनइन्फॉर्म्ड होते हैं इस चीज़ पे कि एक एक फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो ना, वो पढ़ने से पहले कुछ भी अपनी फील्ड में अच्छा बनने से पहले वो बाहर जाने की ट्राई शुरू कर देते हैं। तो मैं इनको भी ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप पहले ना अंडरग्रेड कर लो पाकिस्तान से, उसके बाद आप सोचना बाहर जाने का। लोग कहते हैं पहले बाहर चला जाओ, ये इतना भी जल्दी नहीं, राइट? मैं बात कर रहा हूँ बाहर जाने की एजुकेशन की बुनियाद पे। और एजुकेशन ऑफ कोर्स जो असल चीज स्टार्ट होती है वो तो अंडर ग्रेड के बाद ही होती है ना। अंडर ग्रेड से पहले तो जो अमीर का बच्चा है वो ही आएगा बाहर, हाँ, तो वही बाकी बेचारे तो मेरे जैसे तो वहीं पे रहेंगे ना। तो बात यह है कि गाइडेंस देना जो है ना, वो ये टैलेंट आइडेंटिफाई करना, ये टीचर की जॉब्स में से एक जॉब है। हाँ, बेशक। अंडर ग्रेजुएट क्लास में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रूम करना, उसको अगले रास्ते दिखाना, ये अंडर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाने वाले टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स जो है ना वो आगे नहीं जा सकते, क्यों उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे कैसे जाना है, हाँ ठीक है। और इसमें तो एक 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 चीज मैं करना चाहता हूँ, फिर आप बात कम्प्लीट कर लें कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में MPhil और PhD के एप्लीकेशन का प्रोसीजर देखो, ठीक है, तो वो इतना डिफरेंट है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर से होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि अगर उन्हें बाहर अप्लाई करना है तो उनको क्या क्या चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस लेटर का कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में, होता ही नहीं है, राइट? देखो यार, इन्होंने एक वो छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, मैं कायदे यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, छोटा सा रखा हुआ है टेस्ट का और इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट कायदे यूनिवर्सिटी का। आप उनके टेस्ट देख लो, आपको हंसी आ जाएगी, मैंने देखा, मैं टेस्ट का यूनिवर्सिटी का यकीन टेस्ट। मानो हंसी आ जाएगी। मतलब एक हाँ अगर किसी ने बड़े खूबसूरती से 12th क्लास की हुई है ना, हाँ वो कर लेगा, पास वो PhD के एंट्री टेस्ट पास कर लेगा, कर लेगा। ठीक ये प्यास में भी है, प्यास का टेस्ट भी मैंने दिया हुआ है, वो भी ऐसा ही है। है। एक और उसके बाद मजे की बात यह है कि इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में मैं एक एग्जांपल जानता हूं, उस बंदे से सवाल पूछा गया है जी बताएं वेक्टर स्पेस क्या होती है। अच्छा अब वो कायदे यूनिवर्सिटी से ही फारगुल तहसील था MSc में, उसने आगे से जवाब दिया सर की आपने पढ़ाई हुई नहीं। ये क्या है जी एंड ही गॉट द एडमिशन, ही गॉट द एडमिशन MPhil। ये जो ठांटी है ना, यही बता रहा हूं। देखें मेरे नजदीक तो MPhil PhD पाकिस्तान में बैन हो जानी चाहिए। पहली चीज, फोकस रखें अंडर ग्रेड को स्ट्रोंग करने में और इस कदर, आप कह रही हैं कि फिजिक्स और मैथ्स की MPhil और PhD खास तौर पे बैन खास हो तौर जानी चाहिए। हाँ बैन हो जानी चाहिए। और क्या फोकस करो कि यार आपने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेड स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने हैं जो वाकई में कहीं बाहर जाए बाहर जाए तो उन्हें पता हो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहली दफा डिफरेंट अल्जेब्राइक ज्योमेट्री यहां पे आकर पढ़ी। वहां हाँ बहुत नहीं होती, बहुत मुश्किल है। पे कोई बंदा पढ़ाता ही नहीं है, ठीक
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने, क्योंकि लोग जाते हैं, लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स होते हैं हमने क्रिएट। हमारा मसला यह है कि स्टूडेंट्स भी तो देखे ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ एक और प्रॉब्लम, स्टूडेंट इसलिए नहीं आता कि उसको शौक है, बहुत कम आते हैं शौक वाले। हाँ वो इस वजह से आता है, उसको मजबूरी है। अब मजबूरी जो है ना, उसका नाम है शुक्रिया। आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, मतलब एक बंदा जो मजबूरी से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है यार, उसने क्या करना है? मुझे याद है कि जब मेरा अंडरग्रेड शुरू हुआ था तो मेरे मोस्ट ऑफ द क्लास सर जो थे मेरे, वो इसलिए आए थे क्योंकि इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था तो इसलिए एग्जैक्टली खराब। ऐसा ही है। मैं यकीन मानो कि मैं, अब मुझे मैथमेटिक्स पढ़ते हुए तकरीबन 10 साल तो हो चले हैं ना, अब इन 10 सालों में मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि मेरे से जब मुझे एफएससी में मुझसे तब पूछते थे लोग कि यार क्या करना चाहते, मैं कहता था मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ। मेरा मेरा ठीक था, मुझे मुझे मजा आता था मैथमेटिक्स करने में, ठीक है। मगर मेरे साथ मौजूद मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही कम लोग, एक या दो जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो भी ये कहते थे, नहीं यार मैं मैथमेटिक्स में इस वजह से मुझे मजा आता, नहीं मजबूरी थी। क्या एडमिशन मजबूरी। लेने गया था, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मैं इधर आ गया, इस फील्ड में आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब उसमें ना होता होना क्या है, ये होता यह है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ये जॉब होती है यूनिवर्सिटीज की, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, देन ग्रूम दैट पोटेंशियल, सेंड दैट पोटेंशियल इन द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, एंड देन वेट करो और आफ्टर सम इयर्स रीप द बेनिफिट्स ऑफ दैट, राइट, जो कि इंडिया ने किया है, ठीक हाँ है। इंडिया ने बहुत। आप MIT में चले जाओ, आप हार्वर्ड में चले जाओ, आप ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको वहां पे टीचर मिलेंगे इंडिया से। हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पाकिस्तान की कितनी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, बहुत कम ना होने के बराबर। वो क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये है कि देखो, जो सब्जेक्ट पढ़ाने की जो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ट्रेनिंग है ना, वो नहीं इतनी हुई। मैं अब यहाँ पे आया हूँ, मेरी ज्यादा फोर्स इस वक्त पे इस चीज पे लग जाती है कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने अब अंडरस्टैंड करना है, जो कि मुझे अंडर ग्रेड पे अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ तो वो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? इंडिया में ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और अभी हम ये कह रहे थे ना कि ये जो लोग मजबूरी से आए होते हैं इसमें सिर्फ ये, मैंने तो सिर्फ सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि मजबूरी एक तो ये हो सकती है कि वो इसलिए आ गए क्योंकि उनका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। इसके अलावा और भी मजबूरियां, मजबूरियां नहीं कहना चाहिए, खानापूरी बहुत ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि ये लोग खानापूरी के लिए आए होते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान में एक क्रेज है, आई डोंट नो ये क्यों है क्रेज, लेकिन एक क्रेज है CSS का, राइट? तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए होते हैं कि यार एक 4 साल की डिग्री हमने कर ली ताकि फिर हम CSS कर सकें यार बस। यार मेरे घर में ना, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया, तो मेरा मेरे घर के रिलेटिव्स आज तक मुझे कोसते हैं कि तू CSS कर सकता था, तुमने क्यों नहीं किया। मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने एक दफा कहा था, मैंने कहा था आप जो मर्जी कर ले मैंने नहीं करना तो फिर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये हर एक को कहा गया हम में से। वो देखे ना, मसला वही है ना, फिर तो करना तो है नहीं। CSS में क्या होता है, किसी अफसर बन जाओ, बैठो स्कूल से, ऑफिस में बैठे हुए हो, स्कूल से माल लेते जाओ, खाते जाओ, बड़े होते जाओ। हाँ, और इसमें अभी हम जो शुरू में जब बात कर रहे थे ना, शुरू में नहीं आई थिंक मिडल में, कि कई लोग जो हैं उन्होंने PhD की हुई है पाकिस्तान में लेकिन वो सिर्फ खानापुरी उन्होंने की हुई है, लेकिन मसला ये है कि उन वो ये बात एडमिट कभी नहीं करेगी कि उन्होंने खानापुरी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिसेंटली एक ना स्कैम हुआ था काफी बड़ा, यू नो PPSC के एग्जाम्स होते हैं पंजाब में, तो उसका ना एग्जाम लीक हो गया था, तो उसकी ना मैंने देखा कुछ लोग ना उसके लिए एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं जो कि अच्छा ही है, एहतजाज के लिए तो खड़ा होना चाहिए, स्कैम तो था वो, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे कुछ लोग जो थे वो उन लोगों को, कुछ लोगों को मैं जानता था वहां पे, सब लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों के बारे में वो कह रहे थे कि यार ये लोग MPhil और PhDs हैं इनके आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा इनको पता है इनका मुझे MPhil और PhDs जो है ये यार क्या यार किया उन्होंने कुछ दिया लेकिन डिग्री पे वो यू नो इस तरह अकड़ते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सर, पाकिस्तान के अंदर से स्टूडेंट आइडेंटिफाई करो, उसको बाहर निकालो और PhD का खात्मा कर दो, ठीक है। रिसर्च के अंदर पाबंदी लगा दो कि भाई तू, बेशक तू बहुत बड़ा, तुम्हें बड़ा शौक है हजार हजार पेपर लिखने का, नहीं लिख सकता, हाँ
पांच पेपर मतलब बड़ी तुम्हें कोशिश करनी है पांच पेपर लिख ले भैया यार पाकिस्तान मतलब देनी ही है ना देनी है उसे कहा भाई पांच से ऊपर तो लिख ही नहीं सकता। मतलब दुनिया में तो ये है ना कि वो कहते हैं कोई नहीं अगर एक आध पेपर ना भी आए एक साल में तो कोई मसला नहीं, ठीक हाँ है तुम मेरा अपना बस सुपरवाइजर है, उसके 2 साल से कोई पेपर नहीं है, कोई अपनी बात बस शो करो कि तुम कुछ कर रहे हो। नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए कि हाईएस्ट कितने पेपर दे सकते उस पे पर नहीं लगो लगाओ, ठीक है या फिर नहीं अगर आपको लगता है कि अगर हम ये कर दें कि सिर्फ इन इन जनरल्स में पब्लिश कर सकते हो, जितने मर्जी कर दो। उसमें भी प्रॉब्लम है ना अच्छा, जनरल, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जनरल अच्छा है? पाकिस्तानी जर्नल्स में अगर वहां नहीं करते, क्योंकि लोग कई दफा अपने जर्नल शुरू कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चले आपने एक्सक्लूड कर दिए। इंटरनेशनल जर्नल जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, वहां पे भी काफी सारे प्रेडेटरी होते हैं, ये ठीक बड़ा है, मसला है। ठीक है, जो 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 आपके जो आपके पैरामीटर्स है ना वो बड़े फेक किस्म के हैं। जनरल ऑफ अलजबरा जो है मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा के अंदर सबसे स्ट्रोंग जनरल है, जनरल है तो उसको उसका इम्पैक्ट फैक्टर है 0.6। मैथमेटिक्स में ये मैंने देखा बहुत होता है, आई डोंट नो व्हाई, यू नो, प्योर मैथमेटिक्स में 0.6 बहुत कम होता है। बहुत कम है, वही ना, बहुत कम होता है मैथ में, आई डोंट नो व्हाई। अब उसके मुकाबले में आप किसी भी ऐसे जर्नल में चले जाओ जो के मतलब जो के जिसकी कॉपियां ज्यादा बिक रही हैं, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे क्रिएट होता है? ऐसे क्रिएट होगा ना कि काफी कितनी वो सोल्ड कर रहा है, ठीक राइट। है तो वो जितनी ज्यादा बिक रही है अलग है ऐसा तो वो हो जाए। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर सोशल स्टडीज के जर्नल्स में पब्लिश करवा दिया। कैन यू बिलीव दैट कि मैथमेटिक्स का पेपर सोशल और वो जर्नल वाला जो है वो पब्लिश भी कर रहा है? यार कैसे कैसे काम हो जाते हैं दुनिया में यार, यार। वो पब्लिश भी कर रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे ऐसे 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 सिस्टम के अंदर आप क्या करोगे? सो यू हैव टू पाकिस्तान के जैसे कंट्रीज में ना यू हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। भाई नहीं ठीक है भाई तू बेशक मुझे स्टूपिड पेपर दे मगर पांच से ज्यादा ना दे साल के अंदर, तेरी मेहरबानी, ठीक है, ताकि मेरे पास जो स्टूपिडिटी का जो मवाद है ना वो कम हो, ठीक है। तो अगर हम आपको लगता है अगर हम ये करें कि हम प्रमोशन का क्राइटेरिया बदल दें, पेपर्स की बजाय कुछ और कर दें, फिर नहीं प्रमोशन का क्राइटेरिया आप देखो अगर टेक्निकल बुनियादों पे देखो तो प्रमोशन का क्राइटेरिया वही है जो इंटरनेशनल है, हाँ इंटरनेट वो है तो वही, लेकिन मसला तो है ना पाकिस्तान में बहुत। बुनियादों पे देखा जाए तो वही है ना। हाँ क्राइटेरिया तो वही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो है नहीं है, आपको जॉब ही नहीं मिलती अगर आपने 200 पेपर नहीं लिखा हुआ, हाँ ये बात है। ठीक है, और आपको दूसरा क्या होता है प्रमोशन भी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी हमारे बात ये, हाँ हाँ बोले। हमारे यहाँ पे अगर डायरेक्टर चूज करना है ना शीशा का, भी रिसेंटली चेंज हुआ है तो बकायदा से पूरी शीशा की जो कम्युनिटी है ना है टीचर्स सारे के सारे वोट करते हैं और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में से मतलब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, ठीक है, फिर जाके टीचर डायरेक्टर पद भर्ती होते हैं, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, आज पसंद नहीं आया जाए तू इसको रख ले, और बंदा जो है वो इतना इनकम्पिटेंट होता है कि उस बंदे को आप पकड़ा देते हो कि काल भाई तुमने करना है जो करना है, ठीक है। तुम डायरेक्टर हाँ हो, चेयर्स क्रिएट होती है ना, देखें हार्वर्ड में है जी एक चेयर है जी मैथमेटिक्स की चेयर होगी किसी के नाम पे, पोनकारे चेयर होगी यहाँ पे इधर उधर पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में आई थिंक सो फ्रांस के अंदर आइंस्टाइन की चेयर है, ठीक है, न्यूटन चेयर है ऑक्सफोर्ड के अंदर, ठीक है। तो वो इन 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 डेजिग्नेशंस पे जब कोई बंदा अपॉइंट होता है ना तो ही हैज टू बी एट द लेवल ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। न्यूटन चेयर पे उमर शहजाद को तो नहीं ना बैठा देना, जाहिर ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर उसी को बैठाना है जिसका कम से कम लेवल न्यूटन के करीब करीब तो हो। है। हाँ हाँ वही ना, तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे ठीक है। यहाँ हमारे दूसरे दूसरे क्राइटेरिया हैं, बहुत ही अजीब से यहाँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि कौन जो बंदा ज्यादा पेपर लिख रहा है, जो बंदा ज्यादा खुशामती है, जो बंदा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ठीक है, उसको रख लो, हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ में हाँ मिलाता है उसको रख लो। परफेक्ट बंदा किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड हमारे यहाँ वो सबसे परफेक्ट जाना जाता है जो हाँ में हाँ मिलाएगा।
और ये पेपर वाली बात जो है ना, ये अभी रिसेंटली मेरा डॉक्टर हुसबे के साथ पॉडकास्ट हुआ था मेरा अभी इससे पहले, तो उन्होंने उन्होंने ना बताया था कि एचसी ने अपना एक शुरू किया था बेस्ट टीचर अवार्ड, तो वो बेस्ट टीचर भी इस पे चुनते थे कितने ज्यादा पब्लिश किए. डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स, देयर इज दिस डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड टीचर एंड आई नो गाइस हु आर एंड हां जी, उनके डिस्टिंग्विश होने की रीजन ही ये है कि उन्होंने एक साल में 500 पेपर पब्लिश कर दिए थे. और अभी कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से चुके मैं हूँ, तो वहां पे एक, खैर आपने कहा कि मैंने नाम नहीं लेते, तो ठीक है नाम नहीं लेते वरना मैं ले लेता, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाना ना आपने, यहाँ मैं ले दू नाम. चल चल अच्छा एक मिनट, तो चले चले आप लोग कोई अच्छा मसला. चलो, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं मोहम्मद शरीफ, आपको पता होगा उनका, पता है ना उनको. मैं ओवर द ईयर इतना कहता हूँ यार ये बंदा इतने पेपर्स कैसे पब्लिश कर लेता है यार, ये कुछ करता होगा राइट. ऑब्वियसली इंडिया तो नाम डलवाते हैं लोग, या तो फिर आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो चक्कर है. अच्छा गल कुछ और है. तो यार वो उनको उन्होंने पकड़ के डीन बना दिया साइंसेस का. यार मैं कहता हूँ यार कैसे कर लेते हो यार, अब ये इस इनकी सरबराही में आपको क्या लगता है किस तरह का कल्चर फ्लो पाएगा. ऑब्वियसली एग्जैक्टली यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, मैं बात ही ये कर रहा हूँ कि जो आपके फॉर एग्जाम्पल एच ई सी ने अगर कोई एक टीम बना ली है जिसने ये टेक ओवर करना है कि पाकिस्तान के अंदर मैथमेटिक्स को ठीक करना है, हेड किस बंदे को बनाएंगे? उस बंदे को जिसकी वजह से मैथमेटिक्स खराब हुआ है. हाँ यही तो है. ये अजीब, बहुत अजीब ठीक है. अब जिसकी वजह से मैथमेटिक्स खराब हुआ है वो ठीक करेगा जी मैथमेटिक्स को, ठीक है, वो कैसे कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा. नस्ल दर नस्ल ना अब क्रिएट हो रहे हैं. एक बंदा टीचर है, टीचर का काम होता है नस्ल को चेंज करना, उसका काम होता है एक बंदे को थिंकर बनाना, स्टूडेंट को अपनी अगली नस्ल को क्रिटिकल करना, ये टीचर का काम है. अब अगर एक टीचर जो है ना उसने आपको सिखाना ही ये है कि भाई मैं ऐसे कामयाब रहा हूं अपनी जिंदगी में, तुम भी ऐसे कामयाब रहो, ठीक है, अब उसने अगला बंदा क्रिएट कर दिया है, उसने सिस्टम के अंदर आना है, तो सिस्टम वैसे का वैसे ही है ना, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है. कोई बाहर से हलचल कहाँ से आती है? जब कोई बाहर से जाता है उसे पता चलता है कि नहीं यार ये भी दुनिया थी. अब वो बेचारा कोई 10, 5, 4, 5 साल धक्के खाता है, चपेड़े खाता है, या चुप कर जाता है या छोड़ जाता है. इसमें क्या कहते हैं, ये बात सही है कि ये जो दूसरी वाली जो आपने पॉसिबिलिटी बताई ना, तो आई थिंक सबसे ज्यादा वही है कि ज्यादातर तो लोग चुप कर जाते हैं, चुप ठीक कर है जाते चुप हैं. कर जाते हैं. मेरे अपने डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि एक वो धड़ा है जो कि बहुत ज्यादा पब्लिश करने के हक में है, और या फिर उन या फिर एक बंदा है जो बहुत पब्लिश करता है, ठीक है, या तो और उसके सपोर्टर हैं, और एक दूसरा धड़ा है. जो दूसरा धड़ा है ना उसमें ज्यादातर लोग वो है जो बाहर से पढ़ कर आए हैं. अच्छा मजे की बात है, वो जो पब्लिश करता है वो भी बाहर से पढ़ कर आया, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं. लेकिन दूसरा थोड़ा कुछ हद तक चुप कर गया, क्योंकि आपको पता है कि वो दरअसल जानने वाले थे, वो जो एक था ना पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान, उसका वो राइट हैंड था, तो बस फिर जो मर्जी करते रहो चुप राइट. चुप इस वजह से कर जाते हैं ना कि यार अब आपने ना जब आप एक उम्र के एक हिस्से में आप जब जाते हो ना तो आपको अपनी फैमिली नजर आनी स्टार्ट हो जाती है, हाँ यही तो ठीक है. मतलब बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपको वो अपनी फैमिली नजर आनी स्टार्ट हो जाती है. फिर अगर आप लेट्स से 5, 6 साल पाकिस्तान में गुजारते हो ना आफ्टर डूइंग पीएचडी आउटसाइड समवेयर, तो उसके बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब यहाँ पे बाहर रह के तो बाहर सेटल हो सकते हो, अगर पाकिस्तान में दोबारा इंटर हो के बाहर निकलना बहुत मुश्किल बहुत काम बहुत है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो चुप कर जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है यार अब सिस्टम चल रहा है हम क्या करें. अच्छा यहाँ पे ना कोई बोलता है वो सुन रहा ना, तो हो सकता है कि वो आमिर इकबाल की एग्जांपल है, आमिर इकबाल पाकिस्तान में रह के बहुत ब्रिलियंट थे, तो इसलिए चले गए बाहर, वरना तो बहुत मुश्किल है बाहर जाना. पाकिस्तान के अंदर आमिर के लिए मसला, आमिर एक्सेप्शन है. मैं बड़ी सिंपल सी बात एक्सेप्शन है वो, हाँ वो एक्सेप्शन है, ठीक है यार. पाकिस्तान उधर आजकल कौन कह सकता है कि यार मैं वितन के साथ भी बात कर रहा हूँ, मैं वफा के साथ भी हूँ, मैं शिंगतंग यो के साथ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रेंद वो बेचारे पिछले दिनों गुजर गए हैं, ठीक है, वाइनबर्ग के साथ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो कौन है? और मजे की बात है इंडिया में बहुत लोग हैं जो करते हैं. इंडिया में बहुत है, इंडिया की मिसाल पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान से भी कुछ लोग गए हैं जिन्होंने MIT से PhD की है, ऑक्सफोर्ड से भी PhD की है, ठीक है,
मगर उन्होंने वो कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सके। नहीं नहीं कर सके। क्यों? देखो आमिर जो है ना वो यकीन मानो कि उसे क्रेज है, ठीक है, अब तक अपनी फील्ड के अंदर कुछ करने का, ठीक है, तो वो क्रेज उसे सर्वाइव किए हुए है। उसने जब पाकिस्तान हाँ में वापस आए थे ना, तो पाकिस्तान में वापस आके उन्होंने ये काम नहीं किया था कि पाकिस्तान के बंदों के साथ ही सिर्फ काम करो, नहीं, हाँ उन्होंने निकालने हैं पेपर, मतलब पेपर आप देखोगे ना तो है पेपर बीच में जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी को ऑथर्स हैं साथ में ना, सही मगर वो उन्होंने साइड पे रखे हैं। जो मेन उनका काम था ना, उन्होंने वो अपने अपना ग्रुप नहीं तोड़ा, हाँ बेशक, ठीक तो है, इसलिए वो जा सके बाहर, वरना तो बहुत मुश्किल है बाहर जाना नहीं, वापिस। अगर आपने अपना ग्रुप तोड़ दिया ना, नहीं आप निकल सकते, फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। फिर तो नहीं निकल सकते आप, ये तो सही है। और क्या कहते हैं, इसमें एक और चीज मैं एड्रेस करना चाह रहा था। हाँ, इसमें मैंने अभी कहा ना कि इंडिया में कई लोग हैं, तो हो सकता है वो कहें कि हाँ जो इंडियंस बाहर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कई लोग हैं जो इंडिया में रह के ब्रिटेन वगैरह के साथ। अशोक सेन बहुत बड़ी एग्जांपल है अशोक इसकी। सेन हो गया, गरमोक हो गया, आई थिंक सो, गरमोक भी इंडिया के अंदर ही रह रहा हाँ, है, और आई थिंक राजेश गोपा कुमार भी आई थिंक इंडिया में है, या पता नहीं। नॉट गरमोक, सॉरी सॉरी, मैं माजर, गरमोक तो वो था, रशियन था, मैं गोपा कुमार की बात कर रहा हूँ। गोपा कुमार, हाँ। अब गोपा कुमार जो है वो भी इंडिया के अंदर है, वो बैठा हुआ है, तो वो इंडिया में, अभी रिसेंटली यार ये जो अपने आईसीटीपी के डायरेक्टर आए हैं ये भी इंडिया में थे, वो तो बड़ी मुश्किल से हाँ, इन्होंने दबोलकर। आईसीटीपी, हाँ दिलबोलकर को बड़ी मुश्किल से इंडिया में लाया गया, इंडिया से पाकिस्तान इधर लाया गया है आईसीटीपी के अंदर। हाँ, आई थिंक इंडिया में ये है कि इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस तरह के लोगों को रख सकते हैं, हाँ ना, राइट। देखें फैसिलिटीज क्रिएट करना ना, फैसिलिटी क्रिएट करना, इज्जत देना, लोगों की बात को समझना, उसकी अमल करना। देखो एक प्रोफेशनल है, एक फिजिसिस्ट है, वो आपको आगे बताता है कि यार फलां काम जो है ना फिजिक्स का, जो उसकी फील्ड का है, वो ऐसे होगा, ठीक है, एंड ही हैज दी एक्सपीरियंस, ही हैज एवरीथिंग। मिनिस्टर है जो कि 12 पढ़ा हुआ है, वो आगे उठ के कहता है नहीं सर ऐसे तो नहीं चलता, ठीक है ना, समझ दो बात। अब हाँ, मुझे बहुत अच्छे से। बताओ कि वो क्या करे, वहां पे क्या हुआ है इंडिया के अंदर, जिस दिन इंडिया में ये, जब ये बात है काफी अर्से पहले की, जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक ही रॉकेट के साथ 114 के और शायद 117 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना, इट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिस दिन वो उधर से वो कर रहे थे ना, पाकिस्तान के अंदर न्यूज चल रही थी कि वो अपना मौलाना तकी है, क्या है क्या नाम है तकी उसका, उस्मानी, नहीं, वो जो है यार वो तारिक जिस जमील, जिसकी कंदील बलोच के साथ इशू हुआ ओ था, कवि, कवि, ठीक है, उस दिन वो इशू चल रहा था, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वहां पे न्यूज आ रही थी कि इंडिया ने 114 के शायद 117 सैटेलाइट से एक ही रॉकेट से ऊपर फेंक दी, भेज दी, हमारे यहाँ पे ये चल, वहां पे इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के लिए ना ऑनलाइन चैनल्स बने हुए हैं जहां पे वो एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ बहुत। मैं अभी जब यूएस में आया था तो मेरी एक इंडियन से कोलेबोरेशन होने लगी थी, इसके ऊपर मैंने की नहीं, लेकिन वो भी यही कर रही थी, ऑनलाइन चैनल्स बच्चों के लिए बनाते थे इस तरह बच्चों के। बहुत के लिए हमारे यहाँ कोई है, अरे कम, बहुत कम है, नाउन बहुत कम। कोई दिक्कत हो वो भी एक्सेस हो किसी बड़े, ठीक है, जनरल पब्लिक की एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो वो यार उनका एटीट्यूड हो रहा है, हमारा एटीट्यूड हो रहा है, और ये जब हमें अभी, हाँ, हमें क्रिटिकल बंदा नहीं चाहिए, उन्हें क्रिटिकल बंदे चाहिए, देखिए उन पॉलिटिक्स भी इसी तरह से वर्क करती है, और ये जो आप ठीक इंडिया की बात कर रहे थे ना वर्ल्ड रिकॉर्ड की, है। राइट, तो अब चूंकि ये एक ऐसी न्यूज है कि जो ये सिर्फ इंडिया की न्यूज नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो पाकिस्तान को बतानी है, हाँ चीज चाहिए थी, राइट। लेकिन पाकिस्तानी न्यूज चैनल ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि जो इंडिया का जो चांद पे जा रहा था वो तबाह हो जी, गया। इंडिया और उस हा पर ट्वीट कर, उस पर ट्वीट कर रहे हैं, और इंडिया को इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, हा यानी हा आप लगा नहीं सकते, दूसरों को कह रहे नहीं तो आप मिशन लगाने चाहिए, ठीक है, ये हमारे नौजवान नस्ल भी करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बड़े लोग कर रहे हैं, नौजवान नस्ल ऐसी कर रही वो है काम। एक बड़ा खूबसूरत नाम चॉम्स्की का कॉल है उसके अंदर, हाउ अंकल सैम वर्क इन दैट आई थिंक सो, सैम नहीं, व्हाट अंकल सैम वांट समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर वो कहता है कि यार प्रॉब्लम ये है कि जब हुकूमतें जो है ना, है जब
इस तरह जब खा रही हो ना, जो कि हर हुकूमत खाती है, तो उन्हें ना कोई ना कोई कोई ना कोई ना मुश्किल तैयार रखना पड़ता है अवाम के लिए। अवाम बेटी होगी हाँ तो सवाल करेगी, हाँ भूखी होगी तो सवाल करेगी, ठीक है। तो अवाम को ना मशगूल रखना है। तो हमने मशगूल कैसे किया हुआ है? इंडिया साडा दुश्मन है, दुश्मन अगली दुश्मन है, अबद अजल से है, अबद तक रहेगा, अजल से तो नहीं है खैर, ठीक लेकिन है। तो वो मसला है, ठीक है। हम खुशी नहीं हो पाते किसी किसी और की अचीवमेंट पे, हम खुशी नहीं हो पाते, ठीक है, कि वो इंसानियत की अचीवमेंट है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसके अंदर जो भी अचीवमेंट है ना, वो कलेक्टिव है, ह्यूमैनिटी की अचीवमेंट है। फिजिक्स के अंदर कल को कोई बंदा, लेट्स से कि स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव तो नहीं होनी, ठीक है, बदकिस्मती से, लेट्स से कि कोई बंदा कल को कोई उसकी उसका प्रूफ निकाल लेता है, ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दिस इज अचीवमेंट ऑफ होल ह्यूमैनिटी कि हमारा लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि हम चीजों को ऐसे देख रहे हैं। यार आपको समझ आनी चाहिए कि जब आपको एक जो एस्ट्रोनोमर है वो आपको बताता है कि ये जो सबसे दूर कहकशां हमने फाइंड की है ना, देखी हुई है, जो डिटेक्ट की है, वो 14 अरब नूरी साल दूर है। यू शुड बी अमेज्ड बाय दैट थिंग। क्यों? क्योंकि यार इसका मतलब क्या है कि जब पहली दफा आपको किरण पड़ी ना, उसकी लाइट से ही डिटेक्ट करोगे ना, जब पहली दफा आपने डिटेक्ट की ना, उस कहकशां को 14 अरब साल गुजर गए हैं। वो लाइट जो आप सीनरी देख रहे हो, जो भी आप सिग्नल देख रहे हो, वो 14 अरब साल पहले क्रिएट हुआ था। और हो सकता है वो अभी अब हो भी ना वहां पे, हाँ स्टार जी, हाँ, फट हो सकता है चुका है, वो आर्किटेक्चर तबाह भी हो गई हो। तबाह भी हो गई हो। राइट राइट तो बताने का मकसद क्या है कि इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग सम वेवलेंथ्स इन सम चार्ट्स ऑन डिटेक्टेड बाय द टेलीस्कोप्स, एंड वी आर एबल टू टेल यू दैट देयर इज देयर अ वॉटर देयर और नॉट, हाइड्रोजन देयर और नॉट, ऑक्सीजन देयर और नॉट, यू शुड बी अमेज्ड बाय दैट थिंग, राइट? यस मुझे याद है कि जब ये हुआ था ना इंसिडेंट, के उनका जो जो चांद पे जो जा रहा था सैटेलाइट वो तबाह हो गया था, तो मुझे याद है कि नील डिग्रास टाइसन आया था इंडियन चैनल पे उनको दिखाने के लिए कि कोई बात नहीं, नहीं, कोई लेकिन बात हाँ कोई बात नहीं, नहीं। अमेरिका ने कितने ब्लो किए थे? अमेरिका ने तो भाई अमेरिका ने तो बंदे मारे हुए कोई हैं देखो कितने बंदे मरे। देखिए साइंस में ऐसा होता है, ठीक है। बेशक अभी रिसेंटली अब एक नया नेक्स्ट काम उन्होंने स्टार्ट किया, ये जो उसका उसका यार फ्यूजन एनर्जी का, ठीक है ना, ये जो रिएक्टर क्रिएट कर रहे हैं इधर इधर, आई थिंक सो इधर यूरोप में क्रिएट कर रहे हैं सबसे बड़ा, ठीक है। अब वो टू कंटेन एंड टू क्रिएट लाइक दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हमें अमेज होना चाहिए कि हम एज ए ह्यूमन साइंटिस्ट हम किस किस तरह के काम कर रहे हैं। एक बात करते होते थे कि यार देखो हमारी ज्योमेट्री यूक्लिडियन नहीं है, मगर देखो ना, इन रियलिटी नथिंग इज यूक्लिडियन, ठीक है, मगर हमारा काम चेक कर लो कि हमने ऐसी ऐसी थ्योरी क्रिएट कर दी हुई है कि जो चीज यूक्लिडियन नहीं है, हम कहते हैं भाई हमने पढ़ना ही यूक्लिडियन में से लोकली से क्रिएट कर दिया है, ठीक है। हम कहते हैं कि उसमें पढ़ना ही, क्यों? क्योंकि अपनी अपनी आसानी के लिए। हमें अपने दिमाग के ऊपर अमेज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि अगर किसी बंदे का दिमाग बहुत अच्छा है, और फिर वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे कहीं पाकिस्तान में भी हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो। हाँ क्या मजहब है उसके, उसके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है सोसाइटी की तरफ से, वो क्या है, ये नहीं देखना चाहिए। हाँ देखना ये चाहिए कि यार वो आपसे बात क्या कर रहा है, ठीक है, वो आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। वो चीजें जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हमारे अंदर हम बेसिकली एक एहसास कमतरी की शिकार, और उसको क्या कहते हैं यार, कि जेलस किस्म की कौम है। हर बंदा जेलस है दूसरे से। किसी ने घर के अंदर, आप मोहल्ले के अंदर किसी ने बाइक ले ली है, तो जो साइकिल वाला है वो उससे जेलस है, ठीक है। ये तरक्की की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। इस एजुकेशन में भी ये है कि अगर किसी ने कोई काम कर लिया है, वो खासकर अगर वो आपने आपने उसको अपना दुश्मन क्रिए डिक्लेयर किया हुआ है, उसने कोई काम कर लिया है, आपका बेड़ा गर्क है,
आप अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटीज में बाहर आ भी जाते हो, बड़ा सोच समझ के आपको सुपरवाइजर चूज करना पड़ता है अगर वो इंडिया से हो, वो कितना भी खूबसूरत हो। मेरा आईसीपी का सुपरवाइजर इंडियन था, के एस नारायण। हाँ, तो वो बड़ा आपको सोचना पड़ता है ना कि मतलब ये कल को यार पाकिस्तान जाऊंगा ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ठीक मैं तो कहता हूँ देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो ही वेरी नाइस पर्सन। और यहाँ पे एक बात है कि एकेडमिक्स में मैंने ये देखा है कि वो जिस तरह की नफरत हमें दिखती है, कई दफा लोगों में, ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया और पाकिस्तान से ऐसे नफरत करते हैं। जब वो बाहर मिलते हैं किसी मुल्क में तो वो तो बड़े प्यार से मिलते हैं एक देखो, दूसरे से। इंटेलेक्चुअल जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल्स की आपस में नफरत हो ही नहीं ना सकती यार, उन्हें तो हाँ, पता है। ठीक है, अब अब क्या दोबारा ना, बोले कि आपकी बात कट गई थी। मैंने कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल जो है उसे तो पता होता है ना कि ये सारी ड्रामेबाजी है। हाँ, ठीक ओके। है, वो क्यों नफरत है, वो दिमाग खराब है। वो मेरा दिमाग खराब है कि मैं यहाँ पे दलबोलकर बैठा हुआ है तो मैं उसके साथ जाके कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं तुमने मुझे दूसरा क्या उसे कहते ना चीन, वो दूसरा कश्मीर नहीं दिया, वो मैं नहीं तेरे से बात करता जा। ठीक मैं तो है, शायद उनसे ऐसी बात करूँ कि मुझे तो उनसे डर लगेगा उनसे बात करने में। ही इज अ वेरी नॉलेजेबल ना ना पर्सन। देख, आपको हमारे इंटेलेक्चुअल्स के अंदर बात कर ना करने की शायनेस कहां से आती है यार, वो बंद, मैं कोई स्टूपिड बात ना कर दूं। हाँ, ठीक है, तो मैं यार एवी की स्टूपिडिटी ना मार दूं। राइट ठीक राइट। है, तो वो बात है। अभी एक बात मैं कहते कहते रह गया कि हम कह रहे थे ना कि कई लोग जो हैं वो इंडिया में रह के इतना अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो मैं एक तरफ जानने लगा था कि इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऐसे लोगों को रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एक बड़े यंग इंडियन फिजिसिस्ट हैं जो कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स पे आई थिंक काम करते हैं, नाम सुव्रत राजू, आई थिंक आपको पता होगा शायद उनका। तो देखो, वो इस तरह के लोग, और आई थिंक और भी लोग हैं जो कि एक इंडिया में इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत कमाल है, राइट। इसके अलावा, अच्छा, जिस तरह आईसीडीपी, आईसीटी टीएस हाँ, समथिंग आईसीटीएस लाइक भी, और इसके अलावा हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अशोक सेन होते हैं, राइट। दैट वगैरह हो गए। हाँ, राइट। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं, वरना अगर ये ना होते तो वो भी वहां ना होते जो ये लोग हैं उन्होंने सारे के सारे। एजुकेशन को स्टेट पॉलिसी से डिफरेंट कर दिया हुआ है, यानी कि स्टेट पॉलिसी नहीं, मैं कहूंगा इसको, कहूंगा कि जो एक जो कॉमन आइडियोलॉजी है ना, उससे उससे सेपरेट कर दिया हुआ है। ठीक राइट राइट। है, उन्होंने कहा कि यार जो बंदे एजुकेशन में है ना, है उनको सिलेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि देखो पॉलिटिकली देखो कि वो लोग जो थे ना, वो जिसे हम कहते हैं ना बागी थे सही मानों में। ठीक है, हमारे यहाँ वो बगावत जो है ना वो क्रिएट ही नहीं हो सकी, हम ठंडे हुई दिमाग के हुई भी है तो हमें दबा देते हैं, पूछे हमें नहीं कोई देते। किसी तरह की बेइज्जती कर ले ना तो हम कहते हैं हो जाए फिर क्या हो गया। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जाओ ना तो स्टूडेंट्स के साथ कोई बंदा कोई ज्यादती करो, वहां पे जो स्टूडेंट यूनियंस है यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी स्ट्रोंग है। वो स्टूडेंट यूनियन ये नहीं है कि कोई रिलीजन की बेस पे बनी हुई है, कोई दूसरा किसी सियासी पार्टी का तलबा विंग है या दूसरी जैसी, नहीं। ठीक है, वो बेसिकली यूनियन है। ठीक है, और वो अड़ जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे देखे हैं जो अड़ जाते हैं। ठीक है, ये काम पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको क्रिटिकली सोचने पे रियासती तौर पे पाबंदी है। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आप जो कह रहे थे ना कि जो स्टेट आइडियोलॉजी है उससे सेपरेट कर दिया उन्होंने एजुकेशन, राइट। तो पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो मैंने मैंने जो मेरा बहुत इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के एजुकेशन इदारों का, लेकिन जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, वेल, इतना भी लिमिटेड नहीं है कि मैं बात ना कर सकूँ, लेकिन जो लिमिटेड है उसके उसको उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैं प्यास का टेस्ट क्लियर किया था, मैं प्यास के इंटरव्यू के लिए गया था। यार, मुझे हैरानगी हो रही थी ये देख के कि ये क्या, आपने एम फिल फिजिक्स के लिए एक बंदा लेना है, ठीक है ठीक है, वो प्यास आर्मी का है, समझ आती है, यू हैव टू बी केयरफुल, बट यार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, ऐसे ऐसे चीजों पर आपको ओपिनियन पूछते हैं कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है फिजिक्स से। फॉर एग्जाम्पल, वो ये पूछे थे कि क्या ईडी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक है एम फिल फिजिक्स से। ये लिटरली उन्होंने पूछा है मेरे से प्यास एम फिल टेस्ट एम फिल के इंटरव्यू में। यार, इसका क्या ताल्लुक है फिजिक्स से? कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपके 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 फैमिली में कितने लोग हैं? अच्छा, एक उनके दो इंटरव्यूज होते हैं ना, एक तो होता है
सब्जेक्ट बेस्ड जिसमें उन्होंने फिजिक्स पूछी थी, ठीक है। एक होता है जनरल इंटरव्यू जहाँ पे पूरी कमेटी बैठी होती है 5-6 लोगों की, वहां पे ये पूछते हैं। करना है कि कल को आप जो नेशनल सिक्योरिटी के राज है बाहर तो लीक नहीं कर दोगे, जैसे बाहर वालों को पता नहीं कि एटम बम बनता कैसे है। वो तो ठीक है, समझ आती है, वो तो कोई भी मुल्क चाहेगा, लेकिन इस सवाल का क्या ताल्लुक था कि ईदी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मदारा को मिला, अच्छा ईदी को मिलना चाहिए था क्या? तो यार क्या अजीब है यार, ये इसका ताल्लुक क्या है फिजिक्स से या फिर नेशनल सिक्योरिटी से इन जनरल? तो इस तरह की चीजें यानी कि वो पूछते हैं कि ऐसी चीजों पे ओपिनियन, और यहाँ से वो जज करते हैं कि क्या ये हमारी आइडियोलॉजी में फिट होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि रियासती पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है और वो पॉलिसी, देखो जब आपने ये चेक करना होता है ना कि इस बंदे का क्रिटिकल माइंड कहाँ तक है, उसका बड़ा आसान, ये साइकोलॉजी के अंदर लोगों ने बड़ी आसानी से ये निकाल दिए हुए हैं, ठीक है। यू क्रिएट अ सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, और यू यू स्टार्ट आस्किंग दो सेट ऑफ क्वेश्चन, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कि वो बंदा जो है ना उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ तक है, ठीक है, और जो बंदा हायर है उसको उसको नहीं लो, उसको ना पुत्र तुम्हें नहीं, तुम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। उससे नीचे वाला जो बंदा आपको पता चले ना ये एक एवरेज पॉइंट से नीचे है जो हमें सूट करता है वो ले लो, हाँ। तो वो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि आप नहीं सोच ही नहीं सकते हो यार, कहाँ से सोचोगे, एक स्टूडेंट बेचारा कैसे सोचेगा, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिस बंदे ने पढ़ी ही नहीं है अपनी जिंदगी में, वो कैसे सोचेगा कि जी रीमन टेंसर होता क्या है, जी रीमानियन ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है, उसने बेसिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री ही नहीं पढ़ी, उसको पता ही नहीं है ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कैलकुलस ऑफ ज्योमेट्री क्या चीज है, कहाँ पे आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, चेंज वेरिएशंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, जब उसे उसे पढ़ाया ही नहीं जाना, उसको रट्टा लगवाया जाना है, तो उसने तो नहीं कुछ नहीं करना ना, वो कहाँ से आपसे सवाल करेगा, काबिल कहाँ से होगा सवाल करने के लिए, लिटरेचर नहीं, लिटरेचर मौजूद नहीं है, वो कहाँ से सवाल करेगा। मैं सिर्फ लास्ट एक बात करते हैं, बहुत देर हो गई आज, हाँ, मैं खत्म करने लगा था ये, लास्ट बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना लिटरेचर को ले लो, क्योंकि देखो जो सोच की मेच्योरिटी आती है दो चार चीजों से आती है, एक्सपीरियंस से, लिटरेचर से, ठीक है, जो लिटरेचर आपने लिखा हुआ है आपका सरमाया। हमारे यहाँ आपको सादत सरमंटों को गालियां देने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, और इशफाक साहब को प्रेस करने वाले, प्रेस करने वाले भी बहुत मिलेंगे। इशफाक साहब क्या बता रहे हैं, सबर करो, उनकी सारी सारी हिस्ट्री देख लो ना, उनकी उनका लिटरेचर देख लो, सबर करो, कोई आपके साथ जितनी बड़ी भी ज्यादती कर गए कोई मसला नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ है, ठीक है। सादत हुसैन मंटो क्यों नहीं है कि उसको पढ़ाया जाता, मतलब क्यों नहीं पढ़ाया जाता उसको आपके लिटरेचर बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्या वो वाकई में फहाश है? नहीं, वो आपके आपके मुंह के ऊपर ना जो आपकी गंदगी है वो आपके मुंह के मार रहा है, सिंपल सी बात ये है, आपको वो गंदगी जो है ना वो अपने मुंह पे मलती हुई जब नजर आती है आप कहते हैं नहीं यार ये काम गलत है। आपको वो बंदा चाहिए जो आपको ये बताए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये बताए कि ये सब अच्छा है, ऐसे ऐसे तो बहुत हैं पाकिस्तान में, तो वो मिल जाते हैं ना किराए किराए पे मिल जाते हैं, हर हर दौर में मिलते हैं, शुरू में चल जाए, पहले आपके पास वो थे शहाब थे कुदरतुल्ला शहाब साहब थे, फिर उसके बाद इशफाक साहब आ गए, अब आजकल एक नया बंदा क्रिएट कर रहे हैं वो जिसकी आप आजकल मैम बना रहे हो, कासिम अली शाह, उससे उससे नेक्स्ट जनरेशन भी है, वो जो लड़के ने वो शो की थी, मैं तो उस दिन मैंने पहले जिंदगी में नहीं देखा था उसको कभी भी, वो छोटा सा बच्चा है यार, कोई 10-12 साल का, हाँ वो मैंने देखा है पेशावर से आई थिंक, उसको यानी कि आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पावरफुल ISBR हो गया, वो लोग उठ के दूसरा क्या उसे कहते हैं ऐसे जैसे एहतराम के साथ खड़े हुए जैसे पता नहीं क्या चीज होगी, ठीक है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग आप ना हर हर दौर में आप इस तरह के बंदे क्रिएट करते हो, हाँ, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को बिठाना है, वो बढ़ने नहीं देनी, दसना है बंदे नू के भाई तू नहीं सोचना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करने का।
यार मुझे अब बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर थैंक इनवाइट। यू